यस एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सर, कुछ क्वेरीज आती हैं कि एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। मेरा इसमें मानना है, देखिए एग्जाम बेसिकली आपकी ना प्रायोरिटी लाइफ में डिसाइड होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी क्या, आपकी प्रायोरिटी एग्जाम क्रैक करना है फर्स्ट। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करते हैं। मतलब सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है जो आपको बड़ा बनाता है। जो आप डिसाइड करते हैं वो आप कर सकते हैं। ये कैसे होता है सर, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप जो चाहें वो कर पाए। मतलब आपने आज सोचा आज मैं इतना पढ़ना है, मैं पूरा पढ़ना है, ये आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है कि आप आज कितने स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो इटमीन्स आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखिए। आपको अपने ऊपर ज्यादा भरोसा होना चाहिए एज कम्पेयर टू कि अदर पीपल आप पे क्या भरोसा करते हैं। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम क्रैक करने में, प्लीज से मेंटेन रखिए। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। तो सर, अभी तक हमने जो देखा है रेजिडेंशियल स्टेटस में, वो उसको 5 मिनट्स में रिकैप कर लेते हैं फटाफट। देखिए, अभी तक हमने जो रेजिडेंशियल स्टेटस देखा है, तो अभी तक हमने देखा दो तरह के एस एस सी होते हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट फर्दर डिवाइड होता है आर ओ आर में एंड आर एम ओ आर, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सर, इनकी इनका इनका इम्पैक्ट क्या होता है कि कोई कैटेगरी ये है तो इसमें क्या इम्पैक्ट है? तो सर, ये सब डिपेंड करते हैं, इन सबसे मेरी डिपेंड होती है सर टोटल इनकम। तो सर, टोटल इनकम किस पर्सन की कितनी इंडिया में टैक्सेबल होगी, टोटल इनकम इंडिया में कितनी होगी टैक्सेबल, इंडियन गवर्नमेंट किस पर्सन की कितनी इनकम पे टैक्स लेगा, वो डिपेंड करता है उसके स्टेटस पे, राइट। इसके बाद सर हमने देखा रेजिडेंट, भी हमने देखा कि रेजिडेंट हमारे जो असेसीज के टाइप्स हैं, ठीक है ना, जो पर्सन की कैटेगरीज है इंडिविजुअल, एच यू एफ, फर्म, यूपी, कंपनी एंड सर अदर्स। सर, ये सेक्शन सिक्स, देखिए सेक्शन सिक्स बात करता है रेजिडेंट, रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कौन करता है, सेक्शन सिक्स बात करता है। सर, सेक्शन सिक्स का सबसेक्शन वन इंडिविजुअल की बात करता है, सेक्शन सिक्स का सबसेक्शन टू एच यू एफ फर्म और यूपी का स्टेटस बताता है, और सर कंपनी का सबसेक्शन थ्री बताता है, राइट। और अदर्स का सर, अदर्स में कौन बचा सर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल जुडिशियल पर्सन, इस तरह के स्टेटस, और सर लास्ट में सिक्स फोर, तो सिक्स फोर अदर्स में फॉल करता है। तो सर, अभी तक जो हमने देखा इंडिविजुअल का स्टेटस, इंडिविजुअल का स्टेटस हमने देखा, इसमें सर प्राइमरी होती है टू बेसिक कंडीशंस, टू बेसिक कंडीशन देगी। एक इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट कब माना जाएगा, जब वो दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। तो सर बेसिक कंडीशन थी हमारी सबसे पहली, उसे 182 डेज और मोर, 182 और मोर डेज इंडिया में स्पेंड करे, मतलब इंडिया में वो रहे। या सेकंड कंडीशन थी सर, वो 60 डेज रहे, या तो 60 डेज और मोर प्लस पिछले 4 सालों में 365 डेज वो इंडिया में रहे इन लास्ट 4 years। यस सर, तो सर हमने देखा 182 और 60 डेज वाली एक दो लिमिट आती है, दोनों में से जो असेसी सेटिस्फाई करते वो असेसी रेजिडेंट माना जाएगा। यस सर, बट सर ये क्या था ना, सेकंड कंडीशन कुछ केसेस में नहीं लगती, सेकंड कंडीशंस में कुछ एक्सेप्शन थे, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही चेक करते हैं। तो सर फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, वो कौन से एक्सेप्शन हैं। यस सर, दो एक्सेप्शन हमने देखे थे। पहला एक्सेप्शन बताइए सर, पहला एक्सेप्शन था इंडियन सिटीजन, ध्यान दीजिए इंडियन सिटीजन। देखिए ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पर एप्लीकेबल है। देखिए बेसिक कंडीशन जो थी ये लगती है तीनों पर्सन पे, ये इंडियन सिटीजन भी हो सकता है, यस सर, ठीक है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है, यस सर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है जिस जो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए, बट कौन से वाला इंडिया सर, इंडिया होना चाहिए अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड कौन सा सर, 1947 से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे 1947 के बाद अलग हुआ, इट मींस जो अभी हमारा प्रेजेंट इंडिया है दैट इज ए डिवाइडेड इंडिया। तो सर अनडिवाइडेड इंडिया में वो बॉर्न हुए तो वो क्या होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा, या सर कोई यदि फॉरनर है सर, फॉरनर भी कवर होता है, मतलब बेसिक कंडीशंस तो सर सभी पे लागू होती है। यदि कोई पर्सन बेसिक कंडीशन में ट्रैप आ गया, ठीक है, वो उसी में फंस गया, तो वो डेफिनेटली रेजिडेंट माना जाएगा। बट सर ये कंडीशन तो लागू ही नहीं होती ना, इन जो हम एक्सेप्शन डील कर रहे हैं। तो सर इस एक्सेप्शन में इंडियन सिटीजन को, यदि इंडियन सिटीजन क्या करता है सर, लीव्स इंडिया, क्या कर रहा है सर, बाहर जा रहा है, लीव्स इंडिया, और सर कितने
में किस पर्पज के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, एम्प्लॉयमेंट पर्पज या तो वो पर्सन एज ए मेंबर ऑफ क्रू, एज ए मेंबर ऑफ क्रू, तो कौन सी शिप का सर, इंडियन शिप, प्लीज नोट इंडियन शिप, इंडियन शिप, क्वेश्चन में बहुत बार फॉरेन शिप दिया होता है बट कंफ्यूज हो जाता है, वहां पे ये अप्लाई नहीं करना है। तो सर यदि ऐसा कोई सिचुएशन आती है कि इंडियन सिटीजन यहाँ से बाहर जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इंडियन शिप पर एज ए क्रू मेंबर, तो सर वहां पे हम केवल और केवल 182 डेज चेक करेंगे। हम सेकंड कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन का सेकंड पार्ट था 60 डेज और 365 डेज इन लास्ट 2 इयर्स, वो हम चेक नहीं करेंगे। मतलब तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है सर इस पर्सन को हम तभी इंडिया में रेजिडेंट मानेंगे कम से कम 182 डेज इंडिया में रहे, ठीक है, कम से कम 182 डेज। ये सर दूसरा एक्सेप्शन देखा था, ये सर दूसरा एक्सेप्शन, सर दूसरा एक्सेप्शन हमने देखा था, दूसरा एक्सेप्शन था सर बताइए इंडियन, ये भी किस पे एप्लीकेबल था सर, ये इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर यदि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन सिटीजन क्या होता है सर, विजिट्स, यहाँ क्या है सर विजिट्स, विजिट्स इंडिया। तो सर फर्स्ट एक्सेप्शन तो डील करता है जाने के बाद और सेकंड एक्सेप्शन डील करता है आने के बाद। तो सर वो विजिट करता है इंडिया में तो सर वो उसको हम रेजिडेंट मानेंगे, तब मानेंगे जब हमारे पास वो नॉर्मली क्या रहे 182 डेज और मोर, मतलब सर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी है, राइट सर। बट सर ये कब है, जब उसकी इनकम 15 लाख से कम हो। कौन सी इनकम सर, इनकम फ्रॉम अदर देन, मैं इसको यहाँ डील कर रहा हूँ, इनकम अदर देन, अदर देन, राइट, इनकम अदर देन, इनकम अदर देन मतलब सर अदर देन फॉरेन सोर्सेज। तो सर फॉरेन इनकम के अलावा, फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज के अलावा जो उसकी इनकम है, तो मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं आप सर, इंडियन सोर्सेज, हम इनडायरेक्टली बोलते हैं इसको इंडियन सोर्सेज। तो सर उस पर्सन की, कौन से पर्सन की सर, जो सेकंड एक्सेप्शन में आते हैं सर, कौन, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यदि सर वो इंडिया में वापस आते हैं ड्यूरिंग द ईयर और सर वो 182 डेज वाली हमें कंडीशन चेक करनी है, राइट सर। पर किसके लिए सर, जिसकी इनकम 15 लाख से कम है, फॉरेन सोर्सेज वाली नहीं, इंडियन सोर्सेज वाली इनकम 15 लाख से कम है। बट सर दूसरा केस होगा यदि उसकी इनकम 15 लाख और इक्वल टू 15 लाख है या उससे ज्यादा है, 15 लाख इक्वल और मोर देन 15 लाख है, तो सर उस केस में 182 तो होगी, ये सर बेसिक कंडीशन में फर्स्ट तो हमें चेक करनी थी ना, यस। इसमें सर एक कंडीशन और लग गई सर, जैसे यहाँ 60 डेज था ना सर, यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे क्या हो गया 120 डेज, यहाँ 120 डेज और मोर प्लस सर साथ में 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स तो होगा ही होगा, यस सर, इन लास्ट 4 इयर्स, यस सर। सर अभी तक हमने ये देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि हमारे पास बेसिक कंडीशन थी, तो उसके अलावा हमारे एक्सेप्शन थे, एक्सेप्शन में जाने की बात की गई और आने की बात की गई, जाने वाले में हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, आने वाले केसेस में उसकी इनकम भी देखनी होती है, आने वाले केसेस में उस पर्सन की हमें इनकम भी चेक करनी होती है। इनकम कौन सी सर, अदर देन फॉरेन सोर्सेज, अदर देन फॉरेन सोर्सेज का मतलब सर इंडियन इनकम, मतलब जो इंडिया से अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम आगे देखेंगे उसका टैक्स क्या है, ठीक है। तो सर ये इनकम यदि है इस तरह से, तो हमारा क्या पर्सन माना जाएगा, वो इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, यस सर। तो सर क्लियर, यस। अब हम देखने वाले हैं सर, जब हमने इतना सब कुछ देख लिया तो सर हमें डिसाइड हो गया ना, या तो ये रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। बट सर अब हमें देखना है ये रेजिडेंट के बाद आर ओ आर या आर ओ एन ओ आर, आर एन ओ आर कब बनेगा, ठीक है, आर एन ओ आर वो कब बनेगा, यस सर हमें बताइए वो आर एन ओ आर कब बनेगा। तो सर आर एन ओ आर और आर ओ आर के लिए भी हमारे पास क्या होता है, दो सिचुएशंस या हम कहते हैं दो एडिशनल कंडीशंस आ जाती हैं। क्या आ जाती है सर, दो एडिशनल कंडीशंस। सर कंडीशंस कौन सी है सर, वो तो सर वो दी गई है सेक्शन 6 का जो सबसेक्शन 6 था ना इसमें। तो सर यहाँ के दो क्या बोलते हैं इनको, एडिशनल कंडीशंस, क्या बोलते हैं सर इनको, एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस। तो सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, एडिशनल कंडीशंस यदि आपकी दो कंडीशन दी गई है, यदि दोनों ही सेटिस्फाई होती हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड, तो सर यहाँ पे क्या है ए एंड डी एंड, मतलब सर ये दोनों कंडीशन हमें एक साथ फुलफिल करनी है, यदि दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाती हैं तो वो क्या माना जाएगा सर, रहते आर ओ आर, ठीक है। बट इनमें से यदि कोई भी एक कंडीशन नहीं हो पाती या दोनों ही नहीं हो पाती तो वो माना जाएगा आर एन ओ आर। बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल, बहुत टेक्निकल नहीं है कुछ भी। तो सर कंडीशन बताइए सर, पहली है कि वो लास्ट के 10 इयर्स में, सॉरी ही शुड बी, he should be resident, resident in 2 years, resident in 2 years, ये सर 2 साल में वो resident होना चाहिए। सर कितने सालों में से, out of 10 last years,
सिंपल, लास्ट 10 ईयर्स में वो 2 साल क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन सर, वो लास्ट 7 ईयर्स में उसने कितने दिन होने चाहिए इंडिया में, स्टे इन इंडिया कितना सर, 7 30 डेज, 7 30 डेज और मोर। तो सर ये सिंपल कंडीशन है, लास्ट की 2 साल में, लास्ट के 10 साल में 2 साल वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। सेकंड फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आती है सर, यदि वो लास्ट के 7 सालों में, पिछले 7 सालों में वो 7 30 डेज और मोर इंडिया में रहा है, तो हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, यदि तो वो माना जाएगा आरओआर। आरओआर मतलब सर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सर इसका इम्पैक्ट ये होता है सर, आरओआर जैसे ही बन जाता है कोई पर्सन ना, तो सर उसकी ग्लोबल इनकम क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। ग्लोबल इनकम क्या हो जाती है, मतलब भारत सरकार उस बंदे की हर तरह की इनकम पे, चाहे विदेश में चाइना में काम कर रहा है, यूएसए में, कहीं वर्ल्ड के किसी भी कोने से कोई भी इनकम हो, सारी इनकम पे उसको इंडिया में टैक्स देना है, सारी इनकम पे उसको इंडिया में टैक्स देना है। बट सर अपोजिट केस क्या होगा सर, इसमें से नॉट सेटिस्फाइड, यदि क्या होता है नॉट सेटिस्फाइड, यदि सर इसमें से आइदर वन कंडीशन, ठीक है, एक भी कंडीशन नहीं हो पाई, सर एक कंडीशन तो कर ली थी बट दूसरी कंडीशन तो हो ही नहीं पाई, या बोथ नॉट सेटिस्फाइड, यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है या कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, तो सर वो माना जाएगा आर एन ओ आर। यस सर, आर एन ओ आर। तो सर इसका इम्पैक्ट ये होगा कि उस बंदे की इनकम ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, उस बंदे की इनकम वो इनकम टैक्सेबल होगी जो इंडिया में रिसीव होती है या इंडिया में अप्रूव होती है। इसको हम आगे चेक पार्ट भी में अपना देखेंगे, ठीक है। तो सर ये मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस का होल कॉन्सेप्ट था। पहले सबसे पहले दो बेसिक कंडीशंस आती हैं, दो बेसिक कंडीशंस आती हैं। यस सर, तो पहले दो हमने देखा बेसिक कंडीशंस। यस, दो बेसिक कंडीशन थी, क्या कहते हैं, 182 डेज और मोर और 60 दिन एंड 365 दिन पिछले 4 साल में। इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लो आप रेजिडेंट बन जाओगे, नहीं कर पाते नॉन रेजिडेंट। सिंपल, यदि इनमें से 60 दिन वाली कंडीशन लागू नहीं होती है, दो एक्सेप्शन थे, जाने वाले और आने वाले। जाने वालों का हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी थी, यस फर्स्ट ही चेक करनी है, दूसरी करनी नहीं है। और सर आने वाले, आने वालों पे भी हमें क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन भी चेक करनी है, यदि उसकी इनकम 15 लाख से कम होती है, कौन सी, अदर देन फॉरेन सोर्सेज। बट सर आने वाले पे दो कंडीशन, मतलब फर्स्ट तो चेक करनी थी 182 डेज, उसके साथ 120 डेज और 365 चेक करना है, यदि उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। यस सर, अब सर हमने देखा ये सब सेटिस्फाई हो गया, वो बंदा रेजिडेंट बन गया। रेजिडेंट बनते क्या होगा सर, हमें डिसाइड करना है वो आरओआर आता है या आरएनओआर होता है। सर आरओआर के लिए हमारे पास फिर से दो कंडीशन आती है, जिसे बोलते हैं एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशन का मतलब सर हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है एक साथ, कितनी, दोनों एक साथ करनी है। ऊपर वाले में तो एक था, कोई भी एक हो जाए, बट यहाँ हमें दोनों करनी है। पहली कंडीशन है सर पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट हो, पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट हो, या पिछले 7 सालों में हो 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। तो सर पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा रहा हो तो वो हमारा क्या माना जाएगा, आर ओ आर माना जाएगा। फिर दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करने पे वो आर ओ आर बन जाएगा। दोनों कंडीशन में कोई भी वॉयलेट हो गई, कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हो पाई, या दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो सर वो आर एन ओ आर माना जाएगा। ये सर आर एन ओ आर माना जाएगा। तीसरा केस सर ये हमने देख लिया सर, अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे आज बहुत सारे, राइट। अब हम देखते हैं सर डीम्ड रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट सर ये कॉन्सेप्ट ना नया कॉन्सेप्ट भारत सरकार लाई थी 2020 में, सेक्शन है इसका सेक्शन 161A। यस सर, सर इससे पहले अब हम देखते हैं अपनी बुक में, हमारे कॉन्सेप्ट नोट्स में, कि हमारे कॉन्सेप्ट नोट्स में किस तरह से इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, अभी तक हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सर देखिए इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया में स्टेटस दो तरह से डिवाइड होता है, ये आप जानते ही हैं। यस सर, रेजिडेंट, आरओआर, आरएनओआर एंड नॉन रेजिडेंट। यस सर, इसका इंपैक्ट होता है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड एनी एसएससी डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस। यस सर, सर रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए चेक किया जाता है, बट कौन से साल सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया होता है, कई बार असेसमेंट ईयर में, मतलब एमसीक्यू में कई बार ऐसा होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज कंप्यूटेड फॉर फॉलोइंग ए बी सी डी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बोथ और नन। तो सर प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं हमेशा, प्रीवियस ईयर के लिए क्यों, क्योंकि उस साल सर इनकम अर्न होती है, और इनकम अर्न होती है तो उस पर कितना टैक्स देना है वो डिटरमाइन तभी हो पाएगा, उस साल के स्टेटस पे डिपेंड करता है। ठीक है,
और सर स्टेटस यदि हमने जब एक बार डिसाइड कर दिया है किसी वन सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो वो स्टेटस ही माना जाएगा अदर सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए, राइट सर। ये भी हमारे वही फर्स्ट कंडीशन सेक्शन 6(1) पर्सन रेजिडेंट बन सकता है यदि वो एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन 182 डेज और मोर इंडिया में रहे, सेकंड कंडीशन 4 इयर्स में 365 डेज एंड 60 डेज इन इंडिया, राइट। यस सर, इंपॉर्टेंट थिंग है, इंडिया में जो अराइवल का दिन होता है और डिपार्चर का दिन होता है, आने वाला दिन और जाने वाला दिन। क्वेश्चन में दिया होता है मिस्टर ए 1 जून को इंडिया में आया, तो 1 जून से ही हमें काउंटिंग करनी है। मतलब सर डे ऑफ स्टे इंडिया में कौन कौन से ऐड होते हैं, तो सर डे ऑन विच ही एंटर्स इंडिया एंड द डे ऑन विच ही लीव्स इंडिया, ठीक है। ये दोनों दिन हमारे क्या माने जाते हैं, इंडिया में स्टे माने जाते हैं। तो सर दोनों दिन हमें काउंट करने हैं एज ए स्टे इन इंडिया। हम ये नहीं बोल सकते सर जिस दिन वो जा रहा है वो दिन तो काउंट नहीं होगा, मतलब वो इंडिया में ही माना जाएगा सर। क्या माना जाएगा, इंडिया में ही माना जाएगा। यदि बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, राइट सर। सर ये हमारे एक्सेप्शन थे कि फर्स्ट कंडीशन नहीं लागू होती, सॉरी सेकंड कंडीशन हमें नहीं चेक करनी होती, वहां केवल फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं। वो कौन सा है सर, आने वाले लोग। ये कौन सा है सर, आने वाले लोग। सर आने वाले कौन है सर, सॉरी ये हैं जाने वाले लोग, ये हैं जाने वाले लोग। सर जाने वाले लोग में दोनों कंडीशन लेंगे, वो 182 डेज वाली भी और 60 डेज वाली भी। ये उसको जो रिलैक्सेशन दी गई है ना कि आपको ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है, वो कंडीशन ना सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को दी है। इसलिए इंडियन सिटीजन यहाँ से क्या करता है, जाता है इंडियन शिप पे एज ए मेंबर या एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो सर वो उसके लिए मैं फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, बात करूँ। सर दूसरी एक्सेप्शन था आने वाले कौन सर, इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो सर यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एडिशनल है, ठीक है, वो ऊपर वाली क्लॉज में नहीं है। यदि वो इंडिया में आते हैं तो उस पर भी हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी थी, येस, बट तब जब उसकी इनकम 0 से 15 लाख तक है, ठीक है, 0 से। यदि 15 लाख से ऊपर है तो सर 182 एंड यहाँ 120 दिन वाली कंडीशन आ जाती है, यस। तो सर अभी हम देख रहे हैं डीम्ड रेजिडेंट, देखिए आपने इतना देख लिया, अब आते हैं सर डीम्ड रेजिडेंट। तो सर मैं बताऊं आपको, डीम्ड रेजिडेंट कुछ नहीं है, जो ये सिचुएशन है ना आपकी 15 लाख से इनकम ज्यादा है आपकी। कौन सी सिचुएशन सर, इनकम 15 लाख से ज्यादा बंदे की अदर देन फॉरेन सोर्सेज, उसको हम डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे यदि वो एक भी दिन इंडिया में नहीं रहता है। पर सर तब मानेंगे उसको हम जब उसका किसी भी और कंट्री में वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। देखिए इसको देखते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एन इंडिविजुअल, देखिए क्या लिखा है सर, एन इंडिविजुअल, सबसे पहली बात कौन है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल का स्टेटस पढ़ रहे हैं, यस। एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, बीइंग एन इंडियन सिटीजन, तो सर प्लीज नोट यहाँ POI नॉट कवर्ड, POI नॉट कवर्ड, ध्यान से, डीम्ड रेजिडेंट कभी भी POI नहीं बन सकता है, उसका इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसका इंडियन सिटीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, यस। उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख, यस सर 15 लाख से ज्यादा है। तो सर अभी तक हमने देखा था नॉर्मल केसेस में वो पर्सन यदि इंडिया आता है, ठीक है, वो तो उसको हम ये वाली कंडीशन चेक करते थे 182 और 122 डेज। वो यहाँ बोल रहे हैं कि वो यदि उसकी 15 लाख से ज्यादा की इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्सेज, उसको हम क्या मानेंगे सर, डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड का मतलब होता है सर डीम्ड कॉन्सेप्ट, देखिए डीम्ड क्या है, जो एक्चुअल में नहीं होता है बट आप उसको फिर भी लॉ के अंदर ला रहे हैं, ठीक है, वो रेजिडेंट नहीं बन रहा था किसी भी तरह, बट फिर भी आप बोल रहे हैं नहीं नहीं आप रेजिडेंट माने जाओगे, माने जाओगे, मानो मतलब आप डीम कर रहे हैं उसको, आप रेजिडेंट माने जाएंगे। तो उसको इवन इफ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इवन इफ नॉट लिव्ड इन इंडिया फॉर ए सिंगल डे, आप एक भी दिन ना रहे हो, आप मतलब आप विदेशी, मतलब आप फॉरनर ही है एक तरह से, कहने का आप विदेश में रहते हैं बट आप इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बट देखिए यहाँ POI कवर नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आप इंडिया में एक भी दिन नहीं रहे, आप इंडियन सिटीजन है, आप इंडियन सिटीजन है, आप बाहर रहते हैं, आप ठीक है आप बाहर रहते हैं, आप एक तरह से 10 साल पहले यहाँ से छोड़ के चले गए थे, आप इंडिया में रहते नहीं है और आप बट इंडियन सिटीजन हो आप, तो सर उसको हम इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट मान रहे हैं, यस सर। कब मान रहे हैं, एक तो उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए इंडिया से, यस सर, वो विदेश में बैठ के आप इंडिया से अर्न कर रहे हो इनकम 15 लाख से ज्यादा। सेकेंड सर He is not liable to tax. He is not liable to tax in any other country, or territory by reason of his domicile,
रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया, मतलब वो पर्सन जो किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा है, वो पर्सन जो किसी भी कंट्री में टैक्स नॉट लायबल टू टैक्स है, क्या ऐसा नॉट लायबल टू टैक्स, वो पर्सन जो किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा है, टैक्स के लिए लायबल नहीं है, वो पर्सन इंडिया से 15 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर रहा है प्लस वो इंडियन सिटीजन है, तो सर वो पर्सन इंडिया में रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सर इंडिया ने ऐसा क्यों कहा? सर इसलिए क्या, क्योंकि ऑलरेडी वो पर्सन किसी कंट्री में टैक्सेबल तो है नहीं, ठीक है, इंडियन के लॉज के हिसाब से भी वो रेजिडेंट नहीं बनता है, इंडियन लॉज के हिसाब से भी वो रेजिडेंट नहीं बनता है, तभी तो उसको हम डीम्ड बोल रहे हैं ना। यदि डीम्ड बनने का क्वेश्चन ही नहीं आता, यदि वो नॉर्मल प्रोविजंस में फॉल कर जाता, बट वो तो इंडिया में रहता ही नहीं है सर, वो तो इंडिया में रहता ही नहीं है, तो इसलिए वो इंडिया में रेजिडेंट तो नहीं बन रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा आप रेजिडेंट नॉर्मल तो नहीं बन रहे, फिर भी आप इंडिया से 15 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर रहे हो, प्लस आप किसी और कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे हो, तो इंडिया तो अपना टैक्स राइट लेगा ना उस पर, आप 15 लाख रुपए इंडिया से अर्न कर रहे हो। सर उन्होंने बोला हम डीम्ड प्रोविजन लाते हैं, हम क्या लाते हैं, डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट लाते हैं, हम उन पर्सन को बोलते हैं कि भाई आप इंडियन सिटीजन हो यदि प्लस आप इंडिया से 15 लाख रुपए से ज्यादा अर्न करते हो, तो सर आप इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट मान लिए जाओगे उस साल के लिए, यदि उस साल में आप किसी अदर कंट्री में, किसी अदर कंट्री का मतलब सर यदि वर्ल्ड में 195 आई थिंक कंट्रीज हैं या इससे ज्यादा, इनमें से किसी भी कंट्री में आप टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स, यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स, देन आप इंडिया में रेजिडेंट मान लिए जाओगे, और रेजिडेंट मान लिए जाओगे तो सर क्या होगा, इसको फिर हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे आरओआर और आरएनओआर में, नहीं सर इसको भारत सरकार बोलती है आप आरओआर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि आप इंडिया में तो रहते ही नहीं ना, तो आप आरओआर की जो टू एडिशनल कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, इसलिए उन्होंने बोला आप डायरेक्टली आप क्या माने जाओगे आरएनओआर, आप आरएनओआर की सिचुएशन में पड़ेंगे, डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज क्या होता है आरएनओआर, प्लीज नोट डीम्ड रेजिडेंट हमेशा क्या होता है RNR, yes sir. Such deemed resident will always say RNR means that his scope of income liable to tax in India, उसका इनकम का जो स्कोप होगा ना, उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स इंडिया कलेक्ट करेगा, सर इंडिया कलेक्ट करेगा उसकी जो इनकम उसकी इंडिया से अर्न होती है, ठीक है ना, शैल बी एज स्मॉलर एज कम्पेयर टू एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर मीनिंग ऑफ लायबल टू टैक्स बताइए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इंटरनेशनल टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सर लायबल टू टैक्स का मतलब होता है जैसा एक्ट में डेफिनेशन दी गई है आपको एक्सप्लेन करते हैं, लायबल टू टैक्स इन रिलेशन टू ए पर्सन एंड विद रेफरेंस टू ए कंट्री, ठीक है, हर कंट्री का अपने लॉ होते हैं, जैसे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट है, इसी तरह यूएस और चाइना में और हर जगह अपने डोमेस्टिक इनकम टैक्स लॉज होंगे किसी ना किसी फॉर्म में, ये सब। तो सर विद रेफरेंस टू ए पर्सन एंड ए कंट्री मींस लायबल टू टैक्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम, लायबल टू टैक्स मींस दैट देयर इज एन इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन सच पर्सन, उस पर्सन पे कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है, यस सर। लायबल टू टैक्स का मतलब क्या सर, वो पर्सन लायबल है कि टैक्स के लिए, मतलब उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी अराइज होती है, मींस दैट देयर इज एन इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन सच पर्सन अंडर द लॉ ऑफ दैट कंट्री, कौन सी कंट्री, जिस कंट्री के बारे में आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, जिस कंट्री के बारे में आप चेक कर रहे हैं उस कंट्री के लॉ के हिसाब से उसको इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो सर उसको मानेंगे हम लायबल टू टैक्स। बट हमारी डेफिनेशन में जो हमारी सिचुएशन थी वो कहता है नॉट लायबल टू टैक्स मींस वो अदर कंट्री में क्या है लायबल नहीं है, मतलब लायबल होता है कि उस पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है, और नॉट लायबल टू टैक्स माना जाएगा उस पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है। इसीलिए आगे देखते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ए पर्सन हु हैज सब्सिक्वेंटली बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच लायबिलिटी। सर लायबल टू टैक्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर सच लायबिलिटी हैज बीन कैसा, वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है उसको, मतलब ए पर्सन इंक्लूड्स ए पर्सन हु हैज बीन सब्सिक्वेंटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच लायबिलिटी, मतलब सर क्या, एक पर्सन जो इस पर पहले टैक्स लायबिलिटी बनती थी, देयर वाज अ इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन सच पर्सन, बट वो क्या हुआ सर, उसको सब्सिक्वेंटली क्या करा, एग्जेम्प्ट कर दिया, बट उसको भी इन्होंने बोला कि आप उसको क्या मानेंगे, लायबल टू टैक्स मानेंगे, उसको लायबल टू टैक्स मानेंगे, राइट सर, राइट राइट राइट। तो सर जो पर्सन इस डेफिनेशन में फॉलो नहीं करेगा, मतलब या तो उस पर इनकम टैक्स लायबिलिटी राइज ही नहीं होती है, तो वो क्या माना जाएगा, नॉट लायबल टू टैक्स, और नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, तो सर इसका मतलब इंडिया में वो प्रोविजन ट्रिगर हो सकता है बशर्ते वो 15 लाख रुपए से ज्यादा अर्न करे, यस सर। सर हमें सिचुएशन याद रखनी है, कंडीशंस बहुत सिंपल है, मैं आपको एक तरह से यहाँ दोबारा मेंशन करता हूँ सर, इसकी सिचुएशंस बताइए सर,
इसकी सिचुएशन है सर, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। यस सर, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। प्लस सर वो इंडिया में अर्न करता है कितना इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज मोर देन 15 लाख, मोर देन 15 लाख, राइट सर। इस अदर देन फॉरेन सोर्सेज को हमें शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अदर देन फॉरेन का मतलब इंडिया के लिए फॉरेन, तो एवरी कंट्री इंडिया के लिए फॉरेन है ना, तो इंडियन सोर्सेज बोल सकते हैं आप, इंडियन सोर्सेज इनडायरेक्टली, राइट। प्लस वो क्या है सर, नॉट लायबिलिटी टू टैक्स, वो क्या है सर, नॉट लायबिलिटी टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, इन एनी अदर कंट्री, ठीक है, वो इन एनी अदर कंट्री लायबिलिटी टू टैक्स नहीं है। तो सर उसको इंडियन गवर्नमेंट बोलती है डीम्ड रेजिडेंट माने जाएंगे, और सर डीम्ड रेजिडेंट तो होंगे, बट सर कौन से वाले सर, डीम्ड रेजिडेंट को मान लिया, बट सर कौन सा, आर ओ आर या आर एन ओ आर, सर आर ओ आर तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सर नॉर्मली माना जाता है कि डीम्ड रेजिडेंट वही कॉन्सेप्ट लेगा जहां वो रेजिडेंट नहीं बन पा रहा नॉर्मल तरह से। सर आर ओ आर की जो टू एडिशनल कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं होंगी इस केस में, इसलिए उसको आर एन ओ आर की कैटेगरी में पहले से ही बोल दिया। तो डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज एन आर एन ओ आर, प्लीज नोट, डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज एन आर एन ओ आर। सर सिचुएशन देखिए कि आप वो पर्सन यदि नॉर्मल नॉर्मल प्रोविजंस में, नॉर्मल प्रोविजंस में वो यदि रेजिडेंट है, यदि वो नॉर्मल प्रोविजंस में रेजिडेंट माना जा रहा है, सिक्स वन में यदि वो रेजिडेंट बन चुका है, कैसे सर, यदि वो मान लीजिए 60 डेज प्लस 365 डेज वो उसने सिचुएशन ये फुलफिल कर दी मान लीजिए, तो वो रेजिडेंट हो गया नहीं हो गया, तो सर क्या उस पर ये सिक्स जो हमारा डीम्ड रेजिडेंट है, कौन सा सर, सिक्स बने वाला, तो सर क्या ये आप ट्रिगर करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते सर। नॉर्मली आप सबसे पहले चेक करेंगे नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन है 6-1 में, इसमें आती है हमारी टू बेसिक कंडीशंस प्लस फिर हम चेक करते हैं एडिशनल कंडीशंस, है ना, ये दोनों चेक करने के बाद आप देखेंगे यार ये तो बंदा नॉन रेजिडेंट बन रहा है मेरे केस में। जब आप चेक कर लेंगे कि यस वो नॉर्मली रेजिडेंट नहीं बन पा रहा, तब आप चेक करेंगे क्या वो डीम रेजिडेंट है, तो बोला क्या है कि ये क्लॉज उस पर एप्लीकेबल नहीं होती यदि आप नॉर्मल क्लॉज में रेजिडेंट बन जा रहे हैं, ठीक है, ये सर नॉर्मल क्लॉज में रेजिडेंट बन पा रहे हैं। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो सर अदर देन फॉरेन सोर्सेज की बात करते हैं ना, मतलब इंडियन सोर्सेज, पहले आप बता दो लोग फॉरेन सोर्सेज की इनकम कौन सी होती है, तो सर फॉरेन सोर्सेज की होती है सर जो इंडिया से बाहर अराइज हो, जो इनकम इंडिया में इंडिया से बाहर या इंडिया से बाहर अप्रूव हो या अराइज हो, या जो इनकम इंडिया में रिसीव ना हो, नॉट टू डी नॉट डीम टू अप्रूव अराइज इन इंडिया, सर जो इंडिया में ना मिले या जो बाहर मिले वो सब क्या फॉरेन सोर्सेज, इसके अलावा सब इंडियन सोर्सेज, राइट सर। तो सर ये हमने देख लिया, अब आते हैं सर आर एन ओ आर, देखिए आर एन ओ आर जो मैंने आपको बताया था दो एडिशनल कंडीशंस वो मेंशन है, क्लॉज नंबर है हमारी सर, देखिए क्लॉज है सर 6-6, कौन सी है 6-6, ये कहता है सर दो सेटिस्फाई करनी है दोनों एडिशनल कंडीशंस, कौन सी सर टू एडिशनल कंडीशंस, टू एडिशनल कंडीशंस का मतलब है सर He will be treated resident and ROR, मतलब resident and ordinary resident माना जाएगा उस बंदे को यदि वो satisfy करता है दोनों additional condition. But if individual fails to satisfy any one or both, he will be deemed as RNOR, resident but not ordinary resident. दो condition बताइए सर, वो 10 सालों में he is resident in any two out of last 10 years. Yes sir. And दूसरी condition सर, total stay in India in last 7 years कितना होना चाहिए सर, 730 days minimum. 730 days minimum या उससे ज्यादा, तो सर उसको हम आर ओ आर बोल देंगे, यदि वो बंदा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको हम आर एन ओ आर बोल देंगे। प्लस दूसरा टाइप देखिए आर एन ओ आर किस तरह से बनता है, आर एन ओ आर एक तो बना सर हमारी इस सिचुएशन में ये दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई वाला रूल, दूसरा हमने बताया एवरी डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज एन, एवरी डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज एन आर एन ओ आर, ये मैंने बताया था। यस सर ये आर एन ओ आर जो डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है वो किस पे एप्लीकेबल होता है सर, ध्यान रखिए इंडियन सिटीजन पे होता है, किस पे होता है सर इंडियन सिटीजन, मैंने आपको अभी बताया ना आर एन ओ आर डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशंस, पहली कंडीशन में क्या है सर ये इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, ठीक है सर, डीम्ड रेजिडेंट होता है इंडियन सिटीजन, राइट सर, और ये क्या होगा आर एन ओ आर, अभी हम आर एन ओ आर पढ़ रहे हैं सर, ये हम पढ़ रहे हैं डी पार्ट में आर एन ओ आर किसे कहते हैं, पहला आया हमारा टू एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला टेस्ट ये वाला, दूसरा आया सर हमारा
डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज एन आर एन ओ। और तीसरा तीसरा है वो पर्सन, वही इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिस जो बाहर से इंडिया में आते हैं एंड उनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है अदर देन फॉरेन सोर्सेज और वो 120 से 181 दिन में रहते हैं तो वो हमारे क्या माने जाएंगे आर एन ओ आर। वो भी क्या माने सर ये तो हमने पढ़ा पढ़ा था, ये सर वो पढ़ा हुआ केस है, वो कौन सा है सर एक्सेप्शन, सर एक्सेप्शन कौन सी सेकंड वाली, कौन सी वाली सर जो पर्सन बाहर से आते हैं, आने वाले सर दो लोग थे इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये इंडिया में इनकी इनकम टैक्सेबल मतलब वो इंडिया में रेजिडेंट कब बनते हैं जब उनको हम पहली सिचुएशन चेक करते हैं, दूसरी नहीं पर सर 15 लाख से ज्यादा है तो दूसरी भी चेक करते हैं, दूसरी 60 दिन नहीं है यहाँ क्या है 120 दिन। तो सर कह दिया कि हमारा जो पर्सन इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है ना, जो पर्सन इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है 15 लाख वाली में, ये वाला पर्सन कौन होगा सर आर एन वर होगा ऑलवेज, क्या होगा सर आर एन वर होगा, यस सर वो पर्सन हमारा क्या माना जाएगा सर आर एन वर माना जाएगा। ठीक सर तो आर एन वर की हमारी सिचुएशन क्लियर, यस सर। अब इसको हम अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में इंबिल्ड करते हैं फटाफट से। देखिए टू बेसिक कंडीशन थी रेजिडेंट बनने की, इसमें दो एक्सेप्शन देखिए, जाने वाले लोग आने वाले लोग, जाने वाले लोग को प्रॉब्लम नहीं है वो हमारा 182 डेज चेक करके फिर आर ओ आर की और आर एन आर की बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन चेक करनी है आपने, राइट सर। फिर आते हैं आने वाले लोग, आने वाले लोगों में दो हैं सर, पहला 15 लाख से कम वाले 15 लाख से ज्यादा वाले, तो सर 15 लाख से कम वालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां आपने पहली कंडीशन ही चेक करनी होती है, दूसरी कंडीशन कोई है ही नहीं हमारे पास। दूसरा आते हैं सर 15 लाख से ज्यादा वाले, सर दूसरे आते हैं 15 लाख से ज्यादा वाले में दूसरी कंडीशन 120 दिन वाली आ गई थी, ये सर 120 दिन इसे बोल सकते हैं ना लेस देन 180 डेज 181 देखिए ना 182 होते ही तो वो ऊपर वाली में क्लॉज में फॉल कर गया ना, इसलिए दूसरी बनाई 120 दिन और 181 दिन वाला। सर इस कैटेगरी के पर्सन को क्या मानेंगे ऑलवेज आर एन ओ आर, ठीक है इस कैटेगरी के पर्सन को। तो आर एन ओ आर हमारे पे तीन तरह से आ गए सर, एक तो आ गए सभी पर्सन जिसको हम नॉर्मल दो एडिशनल कंडीशन चेक करने के साथ निकालते हैं, दूसरा आ गया हमारा डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज इन आर एन ओ आर, तीसरा आ गया सर वो पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और पीओआई वाला है 15 लाख से ज्यादा की फॉरेन अदर देन फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम है तो वो आर एन ओ आर माना जाएगा, ये सर वो आर एन ओ आर माना जाएगा, ये सर बहुत आसान सर ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया अभी तक का सभी सिचुएशंस कवर करने वाला। तो सर अब हमारे पास आते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, तो सर अभी हम 9 से 10 क्वेश्चंस इसमें करेंगे वन बाय वन, ये सर क्वेश्चंस हम सभी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से आप देखेंगे हम क्वेश्चन रीड करेंगे देन उसका सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन ऑलरेडी दिया है बट इसको हम नहीं देखेंगे आप, ठीक है आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है सर ब्रेटली एन इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर विजिट्स इंडिया और 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, छोटे छोटे शब्दों से ना क्वेश्चन का पूरा सेंस बदल जाएगा, तो आपने ध्यान रखना है पेपर में क्वेश्चन में जो पूछा है ना वो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। तो सर सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या होते हैं, एक तो एवरी फाइनेंशियल ईयर इसका मतलब कुछ हो, इसका मतलब पीछे के और सालों की बात हो रही है, 100 दिन आता है इंडिया में क्या करता है विजिट्स, ये आने वाला है पर्सन जाने वाला है आने वाला है सर, दिस हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर लास्ट 10 ईयर्स ये 10 सालों से सेम कर रहा है, 10 सालों से वो हर साल 100 दिन इंडिया में रहता है, फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस और असेसमेंट ईयर 22-23, तो सर असेसमेंट ईयर 22-23 हम प्रीवियस ईयर 21-22 की बात कर रहे हैं, यस सर सर 21-22 की बात चल रही है, सर 21-22 की बात चल रही है। तो सर देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसमें बोला है ब्रेडली जो है 21-22 में कितने दिन रहा है सर वो 100 डेज राइट, दूसरा इन्होंने बोला लास्ट के 10 इयर्स में, लास्ट 10 इयर्स में वो 100 डेज एवरी ईयर रहता है, 100 डेज एवरी ईयर रहता है, यस सर। सोल्यूशन देखिए सोल्यूशन में सर सबसे पहले ना क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी आपने देखना है किस तरह से लिखते हैं, तो सर सबसे पहले हम प्रोविजन क्या करना है, प्रोविजन मेंशन करेंगे सर एज पर सेक्शन, यदि आपको सेक्शन याद रहता है तो बहुत अच्छा है बट मेरे रहते हुए भूलेंगे नहीं, सेक्शन 6(1) हम भी पहला है इंडिविजुअल वाला, इंडिविजुअल में नॉर्मल कंडीशन से 6(1) में बोला गया है कि सर यदि पर्सन यहां अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मैंने डिटेल्ड आंसर आपको प्रिंट करके दिया है, एज पर सेक्शन 6(1) हमारी पहले सबसे पहले आती है सर 2 बेसिक कंडीशंस, ये सर कौन सी सर वो 182 और मोर डेज इंडिया में रहा हो ड्यूरिंग द ईयर
और 60 डेज और मोर एंड 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स। यस सर, इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बंदा रेजिडेंट मान लेंगे। ये सर ब्रेडली को हम क्या मानेंगे, रेजिडेंट। तो देखिए सर, मेरी फर्स्ट कंडीशन 100 डेज है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरी कंडीशन सर, ये 60 से ज्यादा है, यस सर। ये मोर देन 60 है, यस सर। लास्ट 4 इयर्स में कितने दिन है सर? तो सर लास्ट 4 इयर्स है मेरे 20, 21, 19, 18, 19 एंड 17, 18। बोला था ना हर 10 साल में, मतलब हर साल में, वो लास्ट 10 ईयर से हर साल में 100 दिन आता है सर। 100 दिन वो हर साल रहा इंडिया में, तो सर लास्ट के 4 सालों में मेरे टोटल 400 दिन हो गए। इट मींस हमारी क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? ये सर, वो 100 दिन भी रहा है एंड 4 सालों में 400 दिन रहा है, जो 365 से ज्यादा है। तो सर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये नहीं हुई बट ये वाली हो गई। इट मीन सर वो रेजिडेंट होगा। यस सर, वो रेजिडेंट हो गया। यस सर, रेजिडेंट हो गया। सर अब बात आती है आगे कि क्या वो क्या माना जाएगा, मतलब उसको हम क्या मानेंगे, वो आर ओ आर है या आर एन ओ आर है। तो सर उसके लिए हम एडिशनल चेक करेंगे। यस सर, उसके लिए हम एडिशनल चेक करेंगे। तो सर आगे देखिए आप इसी में फर्दर, एज पर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 6 क्या आती है सर? 2 एडिशनल कंडीशंस। यस सर, 2 एडिशनल कंडीशंस कौन कौन सी है सर? रेजिडेंट होना चाहिए वो पिछले 2 सालों में आउट ऑफ 10 इयर्स। यस सर, एंड पिछले 7 सालों में कितना हुआ सर? 730 डेज इन इंडिया इन लास्ट 7 इयर्स। यस सर, तो दोनों कंडीशन चेक करें। यस सर, चेक करते हैं। पहली कंडीशन सर, देखिए वो हर साल 16 दिन आया था। इट मींस यदि वो इस साल रेजिडेंट है तो उसने हर साल वो सिचुएशन डील करी होगी, हर साल वो रेजिडेंट की सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा। तो सर यस, ये वाली मेरी सेटिस्फाइड है। यस, ये वाली कंडीशन मेरी पहली सेटिस्फाइड है। ठीक है ना, देखिए ना, वो हर 10 साल में हर साल आप उसको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करने का तरीका क्या है? आपको हर साल रेजिडेंट चेक करना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। 10 साल में पिछले 2 साल में रेजिडेंट रहा हो तो आप हर साल रेजिडेंट चेक करेंगे, तब तो पता चलेगा वो रेजिडेंट है या नहीं है। तो सर हर साल जब आप रेजिडेंट चेक करने जाएंगे तो आपके सामने वही 2 कंडीशन आएंगे, बेसिक 182 डेज और 60 डेज वाली। तो सर हमारे इस केस में सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई ना 100 डेज के क्राइटेरिया पे। इट मींस वो हर पिछले 10 सालों में भी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सर इसका मतलब वो पिछले 10 सालों में 2 साल से तो ज्यादा ही है रेजिडेंट। यस सर, दूसरा सर, पिछले 10 सालों में आप देखेंगे 100 दिन आया था वो, पिछले 7 सालों में 700 दिन रहे, उसे 730 दिन रहते हैं, बट वो तो 100 दिन आ रहा है हर साल। सर आपके तो 700 दिन आते हैं, तो ये वाली सेटिस्फाई है बट ये वाली नहीं है। इट मींस वो आर एन ओ आर होगा, मतलब उसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, वो आर एन ओ आर दोनों कर देता तो वो आर ओ आर माना जाता। ये सर, तो सर आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं सर पहले का बिकॉज ब्रेडली सेटिस्फाई द सेकेंड बेसिक कंडीशन, इसलिए उसको हमने बोला रेजिडेंट। प्लस वो क्या कर रहा है सर, हमारा दूसरी कंडीशन एडिशनल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो 730 दिन नहीं रह पाया। वो कितने दिन रहा? केवल 730 दिन नहीं हो पाया ना, इसलिए वो क्या माना जाएगा? आर ओ ने, और कितना माना जाएगा? आर एन ओ आर। यस सर, इसका सर सेकेंड केस बताइए। वुड योर आंसर चेंज इफ अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ एंड इंडियन सिटीजन। देखिए कुछ तो लॉजिक है ना क्वेश्चन में, नाम दे दिया श्रीनाथ बट बोला इंडियन सिटीजन who resides in Australia and represents the Australian team. देख बाकी फैक्ट सेम है, ऑस्ट्रेलियन टीम है क्रिकेट वाली, जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आते हैं क्रिकेट खेलने, उसमें वो बंदा प्लेयर है बट वो इनफैक्ट वो क्या है? इंडियन सिटीजन है। तो अब आपका आंसर क्या चेंज होगा? तो सर फर्क है सर, दोनों बातों में फर्क आ जाएगा क्या? यस सर, देखिए हमने देखा था 2 बेसिक कंडीशन जो होती हैं वो सभी पे लगती हैं। यस सर, वो सभी पे लगती हैं,
बट सर यदि, क्योंकि ये क्वेश्चन विजिटर्स की बात कर रहा है, बाहर से इंडिया आ रहे हैं, तो सर यदि क्वेश्चन में दिया है कि बाहर से कोई बंदा आ रहा है, तो सर हमें याद होना चाहिए हमारी बेसिक कंडीशन की जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी उन पर्सन पे नहीं लगती जो बाहर से इंडिया में आते हैं, और बाहर से इंडिया में दो लोगों पे नहीं लगती, कौन? इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सेकंड एक्सेप्शन याद कीजिए, सेकंड एक्सेप्शन किस पे नहीं लगता है? इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट। तो अब हमारे केस में इन्होंने बोला सर दूसरा वाला कौन है, यदि वो इंडियन सिटीजन है तो क्या सिचुएशन बदलेगी? तो सर इंडियन सिटीजन है तो वो बाहर से आ रहा है, तो उस पर हम ये वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे? यस सर, वो कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे। यस सर, तो हमारे पास सिचुएशन बनती है सर पहली कंडीशन की। यस सर, पहली कंडीशन की। तो सर इसको मैं एक बार समझाता हूँ आपको डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट है। वॉट इज श्रीनाथ इंडियन सिटीजन? तो क्या आंसर होगा सर? देखिए एज पर सिक्स वन तो मेरी बेसिक कंडीशन जो दो थी मेरी, 182 डेज और दूसरी थी सर 60 डेज वाली, प्लस 365 डेज इन लास्ट फोर इयर्स। बट सर इसमें क्या था एक्सेप्शन, उसमें कहता है यदि इंडियन सिटीजन में कहता है इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आता है बाहर से, एंड उसमें दो सोर्सेस, दो केसेस थे, 15 लाख से उसकी इनकम कम थी या 15 लाख से उसकी इनकम ज्यादा थी। तो सर यदि 15 से कम थी तो हम पहली सिचुएशन ही डील करते थे सिर्फ, बट सर यहाँ पे थी तो यहाँ हमारे पास दो सिचुएशन आ जाती थी, कौन सी? ये प्लस बताइए 120 डेज वाली, कौन सी सर? 120 डेज और मोर प्लस 365 डेज तो है ही हमारे लास्ट फोर इयर्स में, ये हमारा प्रोविजन है। अब इन्होंने क्वेश्चन में देखिए आपके सामने क्या है, बंदा कौन है? श्रीनाथ। कौन है? इंडियन सिटीजन, इंडियन, वो भी आ रहा है इंडिया से। तो सर हमने देखा हमारा प्रोविजन लगता है यस, एक्सेप्शन नंबर ये दो लगता है, एक्सेप्शन नंबर दो लगता है। तो सर एक्सेप्शन नंबर दो के हिसाब से वो उसकी 182 डेज चेक करना है हमें, तो वो तो हमारे सेटिस्फाई नहीं होते, वो तो हमारे सेटिस्फाई नहीं होते, हमारा कौन सा 100 डेज रहा है ना वो, तो ये तो पहली कोई सिचुएशन है तो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो सर यदि उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो वो क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। 100 डेज नॉट सेटिस्फाइड, तो सर इसमें एक क्लॉज बनेगी, इफ इंडियन सोर्सेज वाली जो इनकम है वो इनकम इज लेस देन 15 लाख तो उसे हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट, क्योंकि सर इसमें तो 15 लाख से कम वाले केस में तो आपको पहली कंडीशन ही चेक करनी होती है ना, तो 182 डेज में तो वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट। बट यदि सर उसकी इनकम मोर देन 15 लाख है तो क्या आंसर चेंज होगा? सर आप देखेंगे 182 डेज तो हो नहीं रहे, ये वाला हो रहा है क्या सर? 120 डेज और मोर एंड पिछले 4 सालों में 300, तो सर ये तो हो रहा है 365 दिन 4 सालों में, क्योंकि वहां तो 400 दिन है वो, बट सर 120 डेज भी तो नहीं है। हाँ तो 100 डेज ही रहा है ना, 100 तो 120 से भी कम है और 182 से भी कम है, तो सर तब भी क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। देखा सिर्फ इंडियन सिटीजन बनने की वजह से वो नॉन रेजिडेंट बन गया, सिर्फ नॉन रेजिडेंट बन गया। तो सर देखिए आंसर, आंसर है सर आप इसे पढ़ लीजिएगा, आंसर है नॉन रेजिडेंट, राइट। यस सर, उसका इनकम का लेवल कोई भी हो डजंट मैटर, 15 लाख से कम हो जाए 15 लाख से ज्यादा हो। तीसरा केस, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैड विजिटेड 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज। देखिए इन्होंने कहानी पलट दी फिर से, सिचुएशन सब सेम है, अब बोला यहाँ पे ना ये सिचुएशन में 120 डेज लीजिए, कितने लीजिए? 120 डेज लीजिए। बंदा है श्रीनाथ, कौन? इंडियन सिटीजन। तो सर सेम है इंडियन सिटीजन के केस में, जो बाहर से आता है तो उस पर फर्स्ट कंडीशन नहीं लगाते हम बेसिक, दूसरी नहीं लगाते तब जब वो 15 लाख से कम होती है, 15 से ज्यादा होती है इनकम, तो हम उस पर बेसिक प्लस जो हमारी 182 है प्लस 120 डेज वाली लगाते हैं। तो सर इस केस में आपका देखेंगे, इसको मैं 100 ही कर देता हूँ वापस। दूसरा देखिए सर 120 डेज, तो सर पहले आप देखिए, पहले यदि इनकम मेरी 15 से कम है, इफ इनकम
15 लाख से कम होगी तो ये सर 120 डेज को सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। दूसरा केस सर, ये तो इनकम 15 से ज्यादा है तो सर दो सिचुएशन थी, हमें 120 डेज और मोर होना चाहिए प्लस 365 इन 4 इयर्स। सर हमारा तो पिछले 4 सालों में वो 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 सर वो तो 400 से दिन रहा है तो ये भी सेटिस्फाइड है। तो सर ये मिला के कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड है, यस सर। तो सर जैसे ही ये सेटिस्फाई हुई तो हमारा बंदा क्या होगा, रेजिडेंट। अब आते हैं सर इसको आगे आरएनआर और आरओआर में डिवाइड करने में। तो सर मैंने बताया था आपको यदि पर्सन 15 लाख से ज्यादा वाला है तो वो हमेशा क्या माना जाएगा, आरएनआर, आरएनआर। तो सर इस केस में जो आंसर निकला, वो निकला रेजिडेंट यदि उसकी इनकम 15 से ज्यादा है। दूसरा आंसर निकला नॉन रेजिडेंट यदि उसकी इनकम 15 से कम है। सर यदि 15 से कम है तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, नॉन रेजिडेंट। इस पे तो आरएनआर का क्वेश्चन ही नहीं बनता। और यदि यहां पे बनता है कि 15 से ज्यादा है तो उसका आंसर बनेगा आरएनआर। तो सर फाइनल आंसर हुआ हमारा 15 से कम में नॉन रेजिडेंट एंड 15 से ज्यादा में आरएनआर। देखिए आंसर, आंसर देखिए फटाफट। टोटल इनकम यदि उसकी एक्सीड होती है 15 लाख से ज्यादा तो आरएनआर, और 15 से कम तो नॉन रेजिडेंट। इस क्लियर होगा, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, सभी केसेस इन्हें कवर कर लिए हैं। ठीक है सर, दूसरा एग्जांपल देखते हैं फटाफट। तो पर्सन है, हमारा कैनेडियन सिटीजन, मिस्टर बी कैनेडियन सिटीजन, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। प्लीज नोट फर्स्ट टाइम मतलब क्या समझ लें, फर्स्ट टाइम का, आज से पहले इंडिया नहीं आया। तो मतलब सर पिछले 4 सालों में 365 दिन, पिछले 7 सालों में 730 दिन, पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट, सर क्या पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो सर हमें हिंट मिल रहा है ना, हमें हिंट मिल रहा है कि इसमें थोड़ा सा आसान हो रहा है क्वेश्चन हमारे लिए, क्योंकि पहली बार आया तो पिछले सालों में कंडीशन नहीं लगती उसने सेटिस्फाई की होंगी। ये सर कैनेडियन सिटीजन है, प्लीज नोट इंडियन सिटीजन नहीं है, ऑल्सो नोट इंडियन सिटीजन नहीं है। तो सर मिस्टर बी एन इंडियन कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18। अभी क्वेश्चन हम देखिए, हमारा जो पेपर नॉर्मली बनता है ना, हमारा फाइनेंस एक्ट 2021 अप्लाई है, मतलब सर प्रीवियस ईयर 21-22। तो क्वेश्चन नॉर्मली 21-22 के हिसाब से डील होंगे। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने बोला सर ये तो 17-18 में पहली बार आया था, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 21-22 ही वॉज रेजिडेंट इन इंडिया, ही वॉज इन इंडिया फॉर 55 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 150 डेज, 70 डेज रेस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सर इन्होंने बोला 17-18 में बंदा इंडिया में पहली बार आता है पर वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन नहीं है, वो कौन है, फॉरनर। वो कौन है, फॉरनर, इंडिया में बाहर से आता है और सर वो इंडिया में इन 5 सालों में इतने इतने दिन रहता है, आपने रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो सर माइंड में आना चाहिए सेक्शन 61, सेक्शन 61 के दो बेसिक कंडीशंस 182 डेज एंड 60 डेज वाली, ठीक है, प्लस 365 दिन 4 साल में तो चल रही सर, वो उनमें से कोई भी सिचुएशन सेटिस्फाई कर दे वो बंदा रेजिडेंट माना जाएगा। इसमें एक्सेप्शन लगते हैं कि सर, एक्सेप्शन नहीं लगते, एक्सेप्शन लगते हैं सिर्फ और सिर्फ जाने वालों में इंडियन सिटीजन पे, आने वालों में इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। प्लीज नोट, इसी तरह सर डीम रेजिडेंसी आएगा क्या, नहीं, डीम रेजिडेंसी किस पे लगती है, इंडियन सिटीजन पे, यस सर। तो सर प्लीज नोट, कैनेडियन सिटीजन नाम सुनते ही आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, इसमें एक्सेप्शन नहीं लगना, इसमें डीम्ड रेजिडेंसी नहीं बन सकती। ठीक है, राइट आंसर देखिए 61 की बेसिक कंडीशन दो है सर। पहले सिचुएशन इंडिया में देखिए, हम तो 21-22 का स्टेटस चेक कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, प्लीज नोट असेसमेंट ईयर 22-23 का पूछा है, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22। तो सर 21-22 में कितने दिन रहा वो, 70 दिन। तो सर 21-22 में तो वो रहा वो 70 दिन, पहली सिचुएशन तो मतलब पहली बेसिक कंडीशन तो नहीं सेटिस्फाइड होती। अब तो सर दूसरी कंडीशन में डिपेंड करता है, यदि उसमें भी नहीं होगा तो नॉन रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सर दूसरी कंडीशन बताइए, दूसरी कंडीशन थी सर 60 डेज, वो तो है 70 दिन है मेरे 60 से ज्यादा है, प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स। तो सर हम लास्ट 4 इयर्स को काउंट करते हैं, लास्ट 4 इयर्स 21-22 के बाद में जो पिछले 4 साल होते हैं 20-21, 19-20, 18-19 एंड 17-18 सर दिन हमें दिए हैं, क्वेश्चन में दिए हैं, क्वेश्चन से हमने ऐड करा टोटल लगाया सर ये तो 355 डेज बनते हैं। सर ये तो लेस देन 365 है और ये लेस देन 182 है। ठीक है, तो सर दोनों सिचुएशन बेकार, सर दोनों सिचुएशन
नहीं फॉल करती, इसलिए इट डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द बेसिक कंडीशंस, देयरफॉर ही विल बी नॉन रेजिडेंट। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था सर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन इसे किए, ये क्वेश्चन आप बार बार रिवाइज कीजिएगा। इस क्वेश्चन में सभी सभी सिचुएशन मैंने डील करी है, सभी सिचुएशन डील की है। तो सर देखिए क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसको आंसर करते हैं। तो देखिए मिस्टर वैभव, वैभव एक दोस्त है, एक हमारा दोस्त है वैभव, वो क्या करता है सर, वो इंडियन सिटीजन है पहली बात, राइट, वो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है। तो सर इंडियन सिटीजन जैसे ही क्वेश्चन में दिया हो तो माइंड में आना चाहिए सर, बताइए क्या क्या सर, दो चीज। एक तो सर क्वेश्चन में कुछ भी हो हमें एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं, एक्सेप्शन कौन से वाले, दोनों, वन प्लस मतलब वन प्लस टू, दोनों जाने वाले और आने वाले, क्योंकि दोनों एक्सेप्शन लागू होते हैं इंडियन सिटीजन पे, राइट। दूसरा हमें डीम रेजिडेंसी भी चेक करनी है, क्योंकि हो सकता है ना क्वेश्चन में डीम रेजिडेंसी से रिलेटेड कुछ बोल दिया हो, तो सर हमें ध्यान रखना है वो डीम रेजिडेंसी में फॉल ना करे, राइट सर। इंडियन सिटीजन है, हु इज वर्किंग इन दुबई, सर दुबई में काम करता है, इंडिया में आता है, कम्स टू इंडिया फॉर 55 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, सर सिर्फ 55 दिन, सिर्फ 55 दिन। तो सर मैं बताऊं, मैं अपने माइंड से कहूं, मैं सिर्फ एक लाइन आंसर कर सकता हूं, सर ये नॉन रेजिडेंट होगा। क्यों होगा सर, नॉन रेजिडेंट इसलिए होगा, ये ना तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 55 दिन, क्योंकि 60 से भी कम है और 120 से भी कम है। मान लो सर इसमें एक्सेप्शन लग रहा था, 120 दिन वाला, 15 लाख से ऊपर की इनकम मान भी लीजिए, तब भी सर को 120 दिन नहीं है, 55 दिन है, तो सर हर केस में नॉन रेजिडेंट बनेगा। सर आगे देखते हैं, ऐसा ना मैंने बताया ना, डीम रेजिडेंसी आती है कहाँ आती है सर, जहाँ एक भी दिन इंडिया में ना रहा हो, या मतलब 2 दिन 3 दिन 55 दिन कितने दिन रहा हो, बट एक कंडीशन थी, नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, तो वहां बन जाएगा। तो सर मिस्टर वैभव इज नॉट टैक्सेबल इन दुबई, बोल दिया जहां वो काम करता है, दुबई में तो टैक्स है नहीं ना, 2023 में भी लागू हुआ है। देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 2023 जून 23 से दुबई में क्या है, इनकम टैक्स लग गया है, बट इंडिविजुअल्स पे नहीं लगा, कॉर्पोरेट टैक्स लगा है, कॉर्पोरेट टैक्स लगा। तो बताए नॉर्मली बताए दुबई में इनकम टैक्स है नहीं, दुबई वाले में जो लोग जीते हैं उनमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता इंडिया की तरह। तो सर वैभव इज नॉट टैक्सेबल इन दुबई, यस, एंड एनी अदर टेरिटरी, एनी अदर कंट्री बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस। सर एक लाइन देते ही क्वेश्चन ने बाजी पलट दी, क्वेश्चन ने हिंट दे दिया डीम्ड रेजिडेंसी का, हिंट दे दिया डीम्ड रेजिडेंसी का, क्या कहकर कि सर जहां वो काम कर रहा है वहां पे वो मतलब ही इज नॉट लायबल टू टैक्स, प्लस एनी अदर कंट्री में भी वो लायबल टू टैक्स नहीं है, ये सब हमने पढ़ा पढ़ा, ये सर डीम्ड रेजिडेंसी में पढ़ा था, बट सर उसके लिए अदर कंडीशंस भी है वो चेक करेंगे। तो सर बोला हाउ विल यू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22, यस सर, गिवन दैट हिज इनकम इज ही इज हैविंग द फॉलोइंग इनकम। ये चार तरीके उसको क्या दे दिया हमने, इनकम के नाम बता दिए, ये चार इनकम्स की इंडिया में या बाहर में अर्न हुई है, राइट सर। तो सर पहले का आंसर निकाले, यस सर क्वेश्चन में दिया है वैभव कौन है सर, इंडियन सिटीजन है, कौन है, इंडियन सिटीजन है, प्लस वो 55 डेज इंडिया में रहता है 21-22 में, राइट सर। तो हमें उसका स्टेटस बताना है, प्लस उसने बोला है क्वेश्चन ने इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। सर सबसे पहले हम यही बोलेंगे ना इसको, या तो हमें देखिए क्वेश्चन को हमें शॉर्ट में आंसर करना है, लेंथ में आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन जानबूझ के क्वेश्चन ने बहुत छोटा फ्रेम किया है, उसने तीनों हिंट आपको एक साथ दे दिए, इसीलिए इसमें दो तरह से बच्चे आंसर लिखेंगे। एक तो है कि सर सबसे पहले हम चेक करेंगे सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशंस, जो वो दोनों ही फॉल नहीं करता, ना तो वन और ना टू, क्यों, क्योंकि लेस देन 182 है और लेस देन 60 है, परफेक्ट। तो सर वो हमसे डायरेक्टली क्या बोल देंगे सर, नॉन रेजिडेंट। फिर हम बात करेंगे सर सेक्शन 6(1), ये क्या था सर, डीम्ड रेजिडेंसी, ये सर। तो सर जब पता है ना, जब एक्ट के हिसाब से वो नॉन रेजिडेंट, एक्ट के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट उसको नहीं पकड़ पा रही, वो रेजिडेंट नहीं बन पा रहा इंडिया में, टैक्स रेजिडेंट नहीं बन पा रहा। एज ए स्टूडेंट आपको हमने पढ़ाया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट लाके बोल दिया, हम वो सभी पर्सन को जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं बन पाते किसी और रीजन से, हम उन सभी को डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे, डिपेंड करता है वो सिचुएशन कवर करें। तो सर अब यहाँ लिखेंगे अब सेक्शन 6(1)(a)
ये इंडियन सिटीजन, देखिए इंडियन सिटीजन पे लगती थी ना ये सिचुएशन, ये सिचुएशन डीम रेजिडेंसी लगती है इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन अर्न्स इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस मोर देन 15 लाख रुपीस एंड ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री राइट बाय हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर सिमिलर नेचर। तो सर उसको क्या मान रहे हैं आप, उसको ये प्रोविजन है हमारा सेक्शन 6A का, देन हम उसको क्या मानेंगे, ही विल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट, ही विल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट राइट सर, ही विल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट। सर हमारे केस में आप देखेंगे मिस्टर वैभव lived for 55 days in India. He is an Indian citizen? Yes. Plus he is not liable to tax? In Dubai and other कंट्री, ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया है ये सर। और सर लास्ट कंडीशन है इज इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेस इज, जो भी आएगी हम आंसर में आएगी तो हम सर इनकम निकालते हैं इनकम, ठीक है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो इनकम दी है इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न इन दुबई, तो पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न इन दुबई, सर दुबई में अर्न किया है ये, तो दुबई में अर्न किया है तो सर ये इन दुबई, तो सर देखिए यहाँ है फॉरेन सोर्सेस और यहाँ है इंडियन सोर्स, हमें तो चेक करना होता है इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, मतलब इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स, मतलब इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। सर दुबई में सैलरी अर्न करने 25 लाख रुपए, तो ये तो सर फॉरेन सोर्स का, फॉरेन सोर्स में क्या आता है सर, जो इनकम फॉरेन में अर्न की होती है या जो इनकम इंडिया में अर्न की हुई नहीं मानी जाती, ठीक है, या इंडिया में रिसीव हुई नहीं मानी जाती। सर 25 लाख रुपए तो हमारे फॉरेन सोर्स में फॉल करेंगे ये सर। दूसरा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, इनकम from profession in India, सर इंडिया में प्रोफेशन कर रहा है वो बंदा, उसको कितने मिले हैं 10 लाख रुपए, तो सर वो तो इंडियन सोर्स हुआ ना, इंडियन सोर्स हुआ ये सर 10 लाख। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन दुबई, सर सेम है बट ये क्या है दुबई में प्रोफेशन है इसका, तो सर ये कहाँ माना जाएगा सर फॉरेन सोर्स है, ये क्या है फॉरेन सोर्स है ये सर, ये हमारा फॉरेन सोर्स में आ गया। और लास्ट है सर इनकम अर्न ऑन एफडी इन एसबीआई दिल्ली 11 लाख रुपए, सर इंटरेस्ट फ्रॉम एसबीआई बैंक इंडिया दिल्ली, सर इंडिया में बैंक है उससे जो ब्याज आ रहा है वो इंडियन इनकम मानी जाती है, कितना है सर 11 लाख, तो सर इसका टोटल लगा दीजिए और सर इसका टोटल लगा दीजिए। सर हमारे केस में डीम्ड रेजिडेंसी बनने के लिए वो रेजिडेंट है, वो सॉरी इंडियन सिटीजन है यस, वो किसी अदर कंट्री में लायबल टू टैक्स नहीं है यस, प्लस हिज इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, अदर देन फॉरेन सोर्सेज कौन सा हुआ इंडियन सोर्स, वो है सर 21 लाख विच इज मोर देन 15 लाख, हेंस
डीम्ड रेजिडेंट उसको माना जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट। और सर डीम्ड रेजिडेंट के साथ साथ हमने बताया था सेक्शन 6(6) में क्या माना जाएगा उसको, ऑलवेज आर एन यू आर, आर एन यू आर। तो सर आंसर आया हमारा डीम्ड रेजिडेंट एंड आर एन यू आर। सर देखते हैं आंसर, देखिए पहले बेसिक कंडीशन पे टेस्ट किया था, बेसिक कंडीशन में फॉल नहीं करता है, ठीक है, बट उसको हमें लगता है ही सीम्स टू फॉल अंडर 6(1)(a), मतलब जो नया फाइनेंस एक्ट 22 ने अमेंडमेंट किया था, हमें लगता है कि वो डीम्ड रेजिडेंट बन सकता है। कंडीशन थी ही शुड बी इंडियन रेजिडेंट, इंडियन सिटीजन, इसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख होना जरूरी है, प्लस ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। हमने इसे निकाला 21 लाख और 30 लाख इंडियन सोर्स एंड फॉरेन सोर्स। तो सर अर्न आता है, इनकम आता है, बिकॉज उसकी 21 लाख की इनकम है विच इज मोर देन 15, देयरफॉर ही विल बी डीम्ड रेजिडेंट, और डीम्ड रेजिडेंट इज ऑलवेज आर एन यू आर, डीम्ड रेजिडेंट इज आर एन यू आर, राइट सर। तो इसमें दूसरा केस दिया है, सिचुएशन थोड़ा बदलते हैं। वॉट इफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया इज ओनली 2 लाख। देखिए इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ये जो 10 लाख है ना, यदि ये 2 लाख कर दी जाए तो क्या होगा? तो सर आंसर में सीधे सीधे हमारा इफेक्ट आएगा यस। सर यदि इसको हम क्या करते हैं, ये जो प्रोफेशन है इसको हम 2 करते हैं, तो सर ये 2 और हमारा नया टोटल कितना हो गया 13। जैसे ही 13 हुआ सर, जैसे ही 13 हुआ तो मेरा तो सर ये सिचुएशन में लेस देन 15 में आ गया है ना, और लेस देन 15 में आते ये डीम्ड रेजिडेंट जो मेरा 6(1)(a) में डीम्ड रेजिडेंट है वो नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया, डीम्ड रेजिडेंट नहीं हुआ। इट मीन्स वो आंसर क्या आया इसका सर, वो माना जाएगा जैसे नॉर्मली क्या था, वो नॉन रेजिडेंट था, तो वो नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा। ये सर आंसर देखते हैं, इफ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया इज 2 लाख रुपीस देन हिज इनकम फ्रॉम अदर फॉरेन सोर्सेज विल बी 13, हेंस ही विल बी ओनली नॉन रेजिडेंट। आंसर क्लियर? यस सर, आंसर क्लियर, यस। देखिए ना, पहले पर्सन रेजिडेंट बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा, उसके बाद हम चेक करेंगे डीम्ड रेजिडेंट ही, डीम्ड रेजिडेंट। यदि वो डीम्ड रेजिडेंट भी नहीं बनता है तो क्या माना जाएगा सर, जो ओरिजिनल था ओरिजिनल क्या था, नॉन रेजिडेंट। बहुत आसान सर। तीसरा, व्हाट इफ मिस्टर वैभव इज अ फॉरेन सिटीजन। सर बाजी पलट दी। अब देखिए फॉरेन सिटीजन है तो सर दिमाग में आना चाहिए ना इसमें एक्सेप्शन लागू होती है, ना इसमें डीम्ड रेजिडेंसी अप्लाई होती है, वो चाहे दुबई में या पूरी दुनिया में टैक्स ना दे रहा हो, डजंट मैटर। यदि वो फॉरेन सिटीजन है ना तो वो डीम्ड रेजिडेंट नहीं बन सकता, प्लस उस पर एक्सेप्शन लागू नहीं होते। तो सर इसका मतलब क्या है सर, बेसिक कंडीशन चेक करनी है, यस 60 डेज और 182 डेज वाली, और वो तो सर 55 डेज रहा है, तो सर इसका तो मतलब वो सिंपल है, वो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। आंसर पढ़ते हैं, इफ ही इज ए फॉरेन सिटीजन देन प्रोविजन ऑफ 6(1)(a), मतलब सर डीम्ड रेजिडेंट वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे। यस सर, डीम्ड रेजिडेंट वाले नहीं लगेंगे सर, क्योंकि वो अप्लाई होते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पे। यस सर, therefore he will be non-resident, non-resident. Fourth case, what if Mr. Vaibhav is a foreign citizen but his grandparents were born in undivided India? अब देखिए इसमें फिर से गेम बदला, इसको आप बताएंगे आंसर। देखिए इंडियन सिटीजन था जब, तो उस पर डीम्ड रेजिडेंसी हमारी 6(1)(a) लग गया था है ना, जब वो फॉरेन सिटीजन था तो 6(1)(a) उस पर नहीं लगा, राइट। तो सर अब यदि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, देखिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, इट मींस वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है सर, तो क्या 6(1)(a) लगेगा? बिल्कुल नहीं सर, 6(1)(a) लगता है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पे, इंडियन सिटीजन पे। तो सर अभी पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन है तो सिचुएशन में अभी बदलाव आ गया है। आपने देखा फर्स्ट, एक तो डीम्ड रेजिडेंसी नहीं लगती, इस तरह से लगती है तीनों केसेस में, प्लस दूसरा था एक्सेप्शन। सर एक्सेप्शन में जो फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारा और जो सेकेंड एक्सेप्शन है हमारा, फर्स्ट एक्सेप्शन है सर जो इंडिया से बाहर जाते हैं लीव्स, और दूसरे हैं जो विजिट्स करते हैं। सर उसमें भी तो किसी तरह से ऐसे था ना, आने वाला लगता है सर सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पे, फॉरनर पे नहीं लगता, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे नहीं लगता। आने वाला लगता है इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे भी लगता है सर, इस पे नहीं लगता। इट मींस अब हमारा जब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया तो सर सबसे पहले 6(1) की जो बेसिक कंडीशन थी वो तो उसने फुलफिल, बेसिक कंडीशंस
प्लस सिक्स जो हमारा बेसिक कंडीशन है प्लस जो इसमें हमारा एक्सेप्शन है। बेसिक कंडीशन तो इसमें हमारी 182 डेज और मोर है प्लस हम चेक करेंगे सर इसमें लगता है एक्सेप्शन नंबर टू जो कहता है यदि बाहर से कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आता है तो उस पर हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं जो 182 डेज है तो 182 डेज और मोर चेक करते हैं राइट। बट ये चेक करते हैं जब हमारी इनकम होती है उसकी 15 लाख से कम बट इस पे 182 डेज और मोर हम इसके साथ साथ 120 डेज भी चेक करते हैं और एंड 365 इन लास्ट फोर इयर्स। सर लास्ट फोर इयर्स में हम चेक करते हैं 365। सर हमारे इस केस में जो सेकंड एक्सेप्शन में यदि इनकम मोर देन 15 लाख होती तो सर अभी हम चेक कर रहे हैं बिकॉज इनकम हमारी कितनी है सर इनकम जो हमारी है वो है 21 लाख रुपए। कितना था सर इनकम इज मोर देन 15 लाख दैट इज 21 लाख देयरफॉर हमारे पे ये वाली सिचुएशन है तो वो पहली कंडीशन 182 दिन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो तो बहुत 55 दिन ही रहा है। यस सर प्लस क्या वो दूसरी सिचुएशन डील कर पा रहा है ये वाली नहीं ये भी नहीं हो पा रही है क्योंकि सर वो 120 दिन तो हाई नहीं इंडिया में देयरफॉर क्या होगा सर वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज इनकम यस सर। देखिए If he is a foreigner citizen and his parents or grandparents were born in undivided India, therefore he will be a person of Indian origin. Then also he will only be a non-resident क्योंकि 61A applies only to non-Indian citizen, right? So Indian. Yes. Sir, important points. मैंने बताया था आपको इंडिया में स्टे माना जाएगा उसका आने वाला दिन भी और जाने वाला दिन डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर विल बी काउंटेड एज स्टे इन इंडिया। ठीक है जब आप काउंट करेंगे आने वाले दिन और जाने वाले दिन को इंडिया में काउंट करेंगे मतलब वो इंडिया में रहा है। सेकंड तो सर इसी तरह से 5-6 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं हमेशा। तो सर क्वेश्चन में दिया होता है कि पर्सन स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स स्टे इन टेरिटोरियल वाटर्स। सर एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने बोला जाएगा मिस्टर ये है जो टेरिटोरियल वाटर्स में स्टे कर रहा है ऑब्वियसली इन इंडियन माना जाएगा उसको या नहीं। क्वेश्चन बनता है टेरिटोरियल वाटर्स आर पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट। तो मैंने इंडिया की डेफिनेशन बताई थी आपको चैप्टर वन में आप चेक कीजिएगा इंडियन डेफिनेशन में डेफिनेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया सिर्फ चार बाउंड्री नहीं है हमारी इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। जैसे हमारा मान लीजिए जो भी हमारा ये इंडिया का नक्शा है इसमें आप देखेंगे ना ये सी लाइन कोस्ट लाइन तो है इसके साथ साथ जो 12 नॉटिकल माइल्स का जो मेरा ओशन है ठीक है ये मेरा एरिया क्या है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। तो सर ये भी मेरा क्या काउंट होगा यस ये भी मेरे इंडिया का पार्ट है। तो यदि कोई बंदा समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक रहता है तो वो भी क्या माना जा रहा है इंडिया में रह रहा है इट मीन्स उसका भी रेजिडेंशियल स्टेटस आप चेक करेंगे यस। तो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में यदि बंदा रहता है तो उसका माना जाता है वो इंडिया में रहता है ठीक है। दूसरा पॉइंट इवन स्टे इन शिप और बोट मोर इन द टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स में ना कोई भी शिप या बोट चक्कर लगा रही है तो सर तब भी क्या माना जाएगा वो इंडिया में रह रहा है यस तब भी वो इंडिया में रह रहा है राइट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यूअस और एक्टिव। देखिए पीरियड ऑफ स्टे कंटिन्यूअस हो मतलब ऐसा नहीं बोल रहे ना 182 दिन चेक करने आपने तो 182 या 60 दिन या 120 दिन जरूरी नहीं है वो लगातार रहे मतलब 10 दिन आया फिर चला गया फिर 10 दिन आया फिर चला गया तो साल में 10 बार आए ठीक है दो दो दिन के लिए ठीक है तो इसमें 20 मतलब मोटा मोटा 20 दिन रहा। सर कहने का मतलब है कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है या एक्टिव होना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट इसेंशियल दैट स्टे शुड बी एट यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। देखिए बंदा बाहर से आए अपने घर में रहे दूसरे घर में रहे होटल में रहे ना किराए के मकान पर रहे बिजनेस प्लेस पर रहे ठीक है डजंट मैटर इंडिया में आना ही उसके लिए सफिशियंट है। इंडिया में आके तब हम चेक करेंगे वो कहाँ रह रहा है सड़क पे रह रहा है कहाँ रह रहा है डजंट मैटर हमें इससे मतलब नहीं है। बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल आर कंसिडर्ड टू बी स्टे इन इंडिया। ये मैं बार बार बता रहा हूँ ये क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं इसलिए इसको अलग से दिया है।
सर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें 5 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पांचों पॉइंट आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। सर इसके बाद 2 पॉइंट्स और आते हैं। यस, रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ इनकम टैक्स फॉर इनकम टैक्स पर्पस हैज नथिंग टू डू विद द सिटीजनशिप प्लेस ऑफ बर्थ डोमिसाइल। सर देखिए, रेजिडेंट जो हमारा चैप्टर बना है ना, ये है टैक्स रेजिडेंट, इसे बोलते हैं टैक्स रेजिडेंट। इनकम टैक्स के पर्पस से हम रेजिडेंट चेक कर रहे हैं, ठीक है। बंदा एक्चुअल में इंडिया का ही था, बट वो इंडिया से उस साल बाहर चला गया, एक भी दिन इंडिया में नहीं रहा, इंडिया में वो एक भी दिन नहीं रहा, उस साल के लिए वो नॉन रेजिडेंट मिल जाएगा। तो क्या वो मतलब नॉन रेजिडेंट का मतलब ये तो नहीं कहोगे ना भारत का नहीं रहा, ठीक है। कहने का मतलब ये है टैक्स रेजिडेंसी हमें सिर्फ टैक्स के पर्पज से चेक करनी है, इसको अदर वे में नहीं लेना है, उसका उससे उसके डोमिसाइल से उसके उसके सिटीजनशिप से मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो यदि वहाँ का सिटीजन है तो वहाँ का रेजिडेंट बनेगा बनेगा, डजेंट मैटर। इंडियन सिटीजन इंडिया में नहीं रहते कई बार, तो क्या वो इंडिया के सिटीजन रेजिडेंट बन जाएंगे क्या? नहीं बन जाएंगे ना। रेजिडेंट होने के लिए आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना क्राइटेरिया, चाहे वो इंडियन सिटीजन है चाहे फॉरनर है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी सिटीजनशिप कोई भी हो, आपका प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी हो, आप रेजिडेंट जरूरी नहीं है, आप रेजिडेंट ही बनेंगे वहां, आप नॉन रेजिडेंट बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एन इंडिविजुअल कैन देयरफॉर बी रेजिडेंट इन मोर कंट्रीज। यस, एक कंट्री से ज्यादा मैं रेजिडेंट बन सकता हूँ, इवन दो ही कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल। देखिए, मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरा डोमिसाइल इंडिया में, मैं इंडिया का रेजिडेंट माना जाऊंगा, बशर्ते मैं 180 दिन इंडिया में रहता हूँ, राइट सर, या मैं 365 दिन वाले क्राइटेरिया में हूँ। सर देखिए क्या करा मैंने, 21-22 में मैं यहाँ सिर्फ 55 दिन रहा, सॉरी मैं यहाँ सिर्फ 65 डेज रहा, कितना 65, और पिछले 4 सालों में तो मैं ऑब्वियसली इंडिया में ही रह रहा हूँ, तो मैं तो 4 सालों में हूँ ही, है ना, लास्ट 4 ईयर्स में। तो सर मैं इंडिया में क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया सर, बिल्कुल। बाकी की जो मेरे 300 दिन थे ना, वो मैंने यूएसए में स्पेंड करे, और सर यूएसए का जो इनकम टैक्स है ना, यूएसए का अपना इनकम टैक्स, वो भी कहता है कि 182 डेज से ऊपर रहोगे तो यूएसए में रेजिडेंट माने जाओगे। सर मैं वहाँ रहा 300 दिन, सर मैं वहाँ भी रेजिडेंट बन गया, सर मैं दोनों जगह रेजिडेंट बन गया, नहीं बन गया। तो ये कहना चाह रहे हैं इंडिविजुअल दो जगह रेजिडेंट हो सकता है, इस दो जगह वो रेजिडेंट हो सकता है। यस सर, तो सर अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम जो अभी बताया था ना, इंडियनशिप का जो क्रू मेंबर होता है। तो सर प्रॉब्लम उसके ना, उसके इंडिया में कितने दिन रहता है, शिप तो आती जाती रहती है, यहाँ से चाइना गई, चाइना से आई, तो 30 दिन जाने में लग गए, 30 दिन आने में लग गए, तो सर कौन से दिन उसे काउंट करने हैं इंडिया में, ये सर कौन से दिन काउंट करने हैं, ये सर वो बताता है रूल, छोटा सा बहुत आसान रूल है। तो सर अभी हम पहले अदर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सर मिस्टर निर्मल सिटीजन ऑफ नेपाल। तो सर बात आसान कर दी, इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है तो सर माइंड माना चाहिए दोनों एक्सेप्शन नहीं लगने, हमें डीम रेजिडेंसी से मतलब नहीं होना है। तो सर इंडियन नेपाली सिटीजन है, हिज ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न इन नियर मुल्तान, जो अभी पाकिस्तान में है, इन 1945। ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1986। Since 1996 के बाद वो पहली बार इंडिया में आया 2021 में, 294 दिन इंडिया में रहा, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ। सर देखिए सबसे पहले वो कौन है, नेपाली सिटीजन है, बट क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो उसके ग्रैंड फादर थे वो मुल्तान नाम के शहर में हुए थे 1945 में। 1945 में पाकिस्तान हमारे इंडिया से अलग नहीं हुआ था, वो मुल्तान शहर पाकिस्तान में था, जो कहना चाह रहे हैं वो मुल्तान शहर आज के पाकिस्तान में है। तो मतलब सर आज का पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था पहले 1947 से। यस, इट मींस वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे। यस, इट मींस ये जो मिस्टर निर्मल है वो क्या हो गया सर, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया। यस सर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया। तो सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते माइंड में एक बात आनी चाहिए, एक्सेप्शन नंबर टू पर्सन जो विजिट करते हैं इंडिया में वो लग जाएगा। यस, वो लग जाएगा, वो लगते ही हमें चेक करनी है पहली कंडीशन ओनली। यदि 15 लाख से कम है, 15 लाख से ज्यादा है तो हमें चेक करनी है पहली कंडीशन 182 डेज, और दूसरी कंडीशन 120 डेज वाली, राइट। यस, अब देखते हैं सर इंडिया में कितने दिन रहा वो। ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, सर पहली बार आता कब, 2 अक्टूबर 2021 को, तो इससे पहले नहीं रहा। इसका मतलब है पिछले 4 साल में 365 दिन, 7 साल में 730 दिन भी नहीं लगते, फॉर ए विजिट ऑफ 294 डेज। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन ने बोला 2 अक्टूबर को आया 294 दिन रहने के लिए, हमें तो चेक करना है सर प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22 में कितने दिन है। गलती से आप क्या करेंगे, आप तो देखेंगे कि तो 294 डेज रहा है,
और 182 से ज्यादा तो रेजिडेंट हो गया। देखिए 294 डेज के लिए तो आया है, आया किस दिन 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर से 31 मार्च तक के दिन 294 नहीं बनते, ठीक है। तो देखिए आंसर, मिस्टर निर्मल स्टे ड्यूरिंग द 21-22 इज 181 डेज। कैसे सर, कैसे सर, कैसे 2 अक्टूबर को आता है वो, 2 अक्टूबर 21 को आता है, तो सर अक्टूबर के बताइए कितने दिन सर आने वाला दिन काउंट होना है। यस, तो इसका मतलब पहली तारीख छोड़ दो, तो अक्टूबर के 30 दिन, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के, जनवरी के, फरवरी एंड मार्च, तो सर आप टोटल करेंगे ना, आप इसका टोटल करेंगे तो 181 डेज आया, 181 डेज। तो सर ये इंडिया में 181 डेज रहा है, पहली बात। देयरफॉर ही डज नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट बेसिक कंडीशन। यस सर, प्लस तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया, क्योंकि सेकंड कंडीशन तो चेक ही नहीं करनी थी, बट सेकंड कंडीशन चेक करनी होती है जब उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो। इनकम के बारे में यहाँ साइलेंट है क्वेश्चन। सिंस हिज ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड द सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू हिम, ये मैंने बताया। देयरफॉर ही इज नॉन रेजिडेंट, देयरफॉर ही इज नॉन रेजिडेंट। इनकम के बारे में साइलेंट है तो हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। हम इनकम हम ये लिख सकते हैं बिकॉज क्योंकि इसकी इनकम 15 से कम है, हम एज्यूम कर सकते हैं तो वो नॉन रेजिडेंट है। 15 से ज्यादा है तब भी वो नॉन रेजिडेंट बनता कैसे, क्योंकि सर वो पहली बार आया था, और पहली बार आया था तो वो तब भी पिछले 3-4 सालों में 300 दिन नहीं रह पाता। क्वेश्चन 7 सर, मिस्टर विजय कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 14th April 2019। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया अप टू 3rd October 2021 ही स्टेज एट मुंबई अप टू 8th April 2022 and thereafter he stays in Delhi till his departure, determine the residential status। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाते हैं पहले। क्वेश्चन ने बोला सर फर्स्ट टाइम इंडिया में आते हैं वो, फोर्टींथ अप्रैल डिपार्ट्स करता है सर, क्वेश्चन ने बोला वो 3 अक्टूबर 2021 तक के लिए आता है, ठीक है राइट सर। इसके बाद उन्होंने बोला सर वो 8 अप्रैल 20 तक तो बॉम्बे में रहता है, बाकी पीरियड वो दिल्ली में रहता है ना। तो मैंने बताया था आपको इंडिया में वो लगातार रहे, इंडिया में किसी भी जगह रहे, डजंट मैटर, इंडिया में रहना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर आना जिस दिन है और जाना जिस दिन है, तो सर हम स्टेटस चेक करना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 के हमें डेज दिए हैं। सर इंडिया में 21-22 में कितने दिन रहा है सर, 1 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक डेज निकालिए सर। अप्रैल के 30 डेज, मई के 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 एंड अक्टूबर के जाने वाला दिन भी हमें काउंट करना है। यस, जाने वाला दिन भी काउंट करना है। तो सर ये हुआ आपका 1, 2, 3, 3, 3, 6 एंड दिस इज 186, दिस इज 186 डेज राइट सर। पिछले साल में तो सर टोटल 365 ही रहा था ये, और सर अप्रैल 19 में आया था ना, तो सर अप्रैल 19 में आप मोटा मोटा कर दीजिए ना 366 डेज होंगे, क्योंकि ये 2020 हमारा 4 से डिवाइड होता है, 366 डेज थे। इसमें से आप मान लीजिए अप्रैल में अप्रैल के 13 दिन माइनस कर दीजिए, कितने दिन माइनस कर दीजिए, अप्रैल के 13 दिन माइनस कर दीजिए। तो सर अप्रैल के 13 दिन माइनस करेंगे तो ये आता है आपका 353 डेज। सर हमने सोल्यूशन के लिए पहले तीनों सालों में दिन निकाल लिए कितने कितने दिन वो यहाँ पे रहा। सर ये पर्सन कौन है, ये पर्सन है सर, क्वेश्चन साइलेंट है, इंडियन सिटीजन है या कौन सिटीजन, क्वेश्चन साइलेंट है सर। हमें देखिए एज पर सेक्शन 6(1) तो दोनों बेसिक कंडीशंस हैं, पहले कंडीशन बेसिक 182 और मोर, तो सर ये तो 186 रहा है, सर ये तो सेटिस्फाई हो गई, तो क्या हो गया सर वो रेजिडेंट हो गया। आगे हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं बनती, चाहे वो कोई भी हो डजंट मैटर। सर एडिशनल कंडीशंस एज पर एडिशनल कंडीशंस, तो सर आर ओ आर बन जाएगा, एडिशनल कंडीशंस आर ओ आर बन जाएगा यदि वो दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर दे। पहली है सर
रेजिडेंट इन टू इयर्स आउट ऑफ 10, और दूसरी है सर वो 730 डेज इंडिया में रहे लास्ट के 7 इयर्स में। सर क्वेश्चन ने बोला था वो फर्स्ट टाइम आ रहा है क्या? फर्स्ट टाइम अप्रैल 19 में आया, इसके पहले एक 14 अप्रैल 19 से पहले वो कभी इंडिया में था ही नहीं। तो सर ये मैं बोल सकता हूँ कि 19-20 के बाद जो पिछले 7 साल 10 साल जा रहे हैं ना, उन सालों में कभी भी वो क्या नहीं हुआ, कभी भी वो इंडिया में नहीं रहा। तो सर इसको हम समझते हैं टेबल से। सर देखिए 21 पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो पा रही है क्या? सर पिछले 2 सालों में रेजिडेंट, 10 सालों में हमें नहीं पता, चेक करते हैं। 7 सालों में 300 दिन नहीं पता, चेक करते हैं। तो सर देखिए पिछले 10 साल कौन से होंगे सर? 20, 21, 18, 19, 17, 18, 16, 15, 16, 14, 13, 13, 14 and 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सर 1 साल और होगा 11 बार। सर ये 10 साल हो गए, इसमें डेज देखिए कितने कितने रहा है। सर 2021 में तो वो 365 डेज रहा है, यहाँ 353 डेज रहा है, यहाँ पे निल 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 राइट। सर हमारे पिछले 7 सालों में कितने दिन रहे? 730 दिन रहना चाहिए, 730 दिन रहना चाहिए। सर पिछले 7 साल मेरे जो खत्म होते हैं 3, 3, 6 और 1, 7 यहाँ फिनिश होते हैं सर। सर यहाँ टोटल लगा दें सर 718 दिन रहा है पिछले 7 सालों में। सर ये तो सेटिस्फाई हुआ नहीं, वैसे तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्लियर है क्या होगा, ये RNOR होगा, नो डाउट यस। फिर भी आपको मैं एक थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूँ। आप देखिए पिछले 7 सालों में रेजिडेंट कैसे चेक करेंगे, पिछले 10 सालों में 2 साल कैसे चेक करेंगे? तो सर 2020-21 में रेजिडेंसी चेक करनी है आपने, यस। तो सर 2021 में भी रेजिडेंसी का वही रूल था हमारा, 2 बेसिक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन सर 182 डेज सेटिस्फाइड, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, वो रेजिडेंट। सर इस साल भी 182 डेज से ज्यादा रहा है, यस इस साल भी रेजिडेंट। इस साल तो सर 0 दिन रहा है, तो ये किसी भी तरह से रेजिडेंट बन ही नहीं सकता ना, 60 दिन वाली भी नहीं और 182 दिन तो सर नॉन। तो बाकी सभी में क्या होगा सर, ये नॉन रेजिडेंट होगा बाकी 8 सालों में। तो सर 10 में से 8 साल तो वो रहा है हमारा नॉन रेजिडेंट और 10 में से 2 साल रहा है रेजिडेंट। तो सर ये वाली कंडीशन मेरी यस सेटिस्फाइड है। तो सर पहली सेटिस्फाइड है, दूसरी नहीं है, इट मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इट मीन्स वो RNOR बनेगा, वो RNOR नहीं बन सकता। तो सर आंसर आता है हमारा RNOR, ठीक है। आंसर क्या था, इट इज RNOR, राइट। आसान है सर, बहुत आसान है। ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर शाकिब कौन कौन हुआ है? ढाका में हुआ है ये सर। ढाका कहाँ है सर? बांग्लादेश में। 1945 ध्यान रखना है, ईयर 1945 सर कहाँ हुआ? ढाका मतलब बांग्लादेश। बांग्लादेश 1945 में तो इंडिया का पार्ट था, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में बंदा बॉर्न हुआ है। अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होते मतलब वो POI बन गया। तो सर ये क्लियर है वो POI है, यस। ही हैज बीन स्टेइंग इन कैनेडा सिंस 1974, देखिए अभी तक तो इंडिया में रहता नहीं है वो, 1974 से कैनेडा में रहता। He comes to visit India on 13th October. He comes to visit India on 13th October and returns on 29th March 22. आने वाला दिन जाने वाला दिन कौन होना है? Yes. तो 13 अक्टूबर को आता है, 29 मार्च को चला जाता है। कौन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट? उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ। देखिए तो किस दिन आया वो? 13 अक्टूबर को वो आता है। आता कब है सर? 29 मार्च को। सर कितने दिन इंडिया में रहा वो इस साल? इंडिया में रहा सर वो इस साल कितने दिन रहा? 31 में से जो हमारे अक्टूबर में दिन है, 31 में से पहले 12 दिन घटा देंगे आप, पहले 12 दिन घटा देंगे तो सर कितने बचे सर? 19 दिन। कितने? 19 दिन। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
मार्च मार्च के सर 29 डेज, जाने वाला दिन भी काउंट करना है। तो सर जो भी हमारे दिन आते हैं 9, 10, 11, 20, 8, 2, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 168 डेज सर, वो तो सिर्फ और सिर्फ 168 डेज इंडिया में रहा है। यस, पहला फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उसको हमने पहले क्या निकाला, स्टे निकाला हमने, स्टे निकाला सर। वो कौन है? वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो सर एज पर 6(1) जो उसकी पहली बेसिक कंडीशन है, मैं चेक करनी है ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन टू बी चेक्ड, राइट? यस, एक्सेप्शन नंबर दो लगता है इंडियन सिटीजन प्लस POI दोनों को लगता है जो आते हैं। फिर हम चेक करते हैं 15 लाख से इनकम ज्यादा है या कम है, क्योंकि क्वेश्चन 15 लाख के बारे में साइलेंट है, इनकम के बारे में साइलेंट है। तो हम उस पर ऑप्शन देके दोनों आंसर देंगे, उसको हम दोनों आंसर देंगे। तो हमें क्या करना है सर, पहली कंडीशन ही चेक करनी है, इफ इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेस इज लेस देन 30 लाख। तो सर पहली बेसिक कंडीशन क्या है, 182 और मोर, जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन सर वो नॉन रेजिडेंट है। यस सर। दूसरी कंडीशन सर, यदि इफ इफ इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, इफ इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेज एक्सीड 15 लाख, assumption है ना सर, ये हम assumption कर रहे हैं क्योंकि question silent income के बारे में, तो हमें दो answer देने होंगे। तो सर income from 15 lakh, income is more than 15 lakh, तो उसको क्या करना है सर, वो he will be resident if following two conditions, anyone are satisfied। तो सर anyone में तो वही है ना हमारा, तो पहले तो वही थी कि 182 तो है ही कम से कम, वो तो हमारा सेटिस्फाई होता ही नहीं है, है ना। दूसरा था और 120 डेज और मोर प्लस 365 इन लास्ट 4 इयर्स, सर क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? सर ये 168 रहा है, ये तो होता है, बात समझ में आती है, बट पिछले 4 सालों में 365 का हासिल होगा सर, वो तो बोला ना क्वेश्चन ने, वो पहली बार आया, पहली बार नहीं आया मतलब वो 1974 से कनाडा में रह रहा है, इट मींस 1974 से कनाडा में रह रहा है, और अब क्वेश्चन बोलता है वो विजिट करने इंडिया 13 अक्टूबर को, इसका मतलब उससे पहले वो कब इंडिया नहीं आया, ठीक है, 1974 से वो 13 अक्टूबर तक कनाडा में रहता है, इंडिया में नहीं रहता है। तो सर लास्ट के 365 में तो मिल है, तो सर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो सर ना तो पहली हुई ना दूसरी हुई, सर इसका मतलब क्या हो गया सर, ये नॉन रेजिडेंट हो गया। तो सर irrespective of income he is non-resident, irrespective of income he is non-resident, answer देख लीजिए non-resident है, आपने आगे पढ़ लेना अपने आप। yes, बहुत सिंपल है, मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया सर। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये, yes ये लास्ट क्वेश्चन है आपका सर। मिस्टर डे non-resident है, पहले बोल दिया non-resident है, residing in पाकिस्तान, सर पाकिस्तान में रहते हैं 2003 से, जो इंडिया में आते हैं 19 फरवरी 2020 को, ध्यान दीजिए 19 फरवरी 2020 को इंडिया में आते हैं फॉर परमानेंट सेटलमेंट। इतना छोटा सा क्वेश्चन दिया है सर, मिस्टर डे जो नॉन रेजिडेंट रिजाइडिंग इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रहते हैं वो, 2003 से पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में आते हैं 19 फरवरी को परमानेंट सेटलमेंट के लिए, ठीक है सर, 19 फरवरी 2020 को कम्स इंडिया और सर किस लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए, सर परमानेंट सेटलमेंट के लिए। देखिए अब हमें स्टेटस कौन से साल के लिए चेक करना है सर, फाइनेंशियल ईयर या बोले प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए। तो सर प्रीवियस ईयर 21-22 में स्टे निकालिए इसका कितना है, बताइए सर, 1 अप्रैल से 31 मार्च 22, कितना सर, पूरा साल। बेस्ट सर, इससे पिछले साल निकालेंगे आप
2021 में भी सर 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तो पूरा साल रहा है यहाँ भी। तीसरा सर जब ये आया था 19-20 में आए थे सर ये 19 फरवरी 2020 को, तो कब तक 31 मार्च 20 तक, ठीक है। तो सर आने वाला दिन काउंट होता है, यस फरवरी में 19-20 में फरवरी में 29 डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं 29 में से 18 माइनस करेंगे आप, क्योंकि 19 तारीख तो काउंट करेंगे ना, 19 तो एकदम काउंट करेंगे। तो सर 11 डेज फरवरी के हो गए और 31 डेज मार्च के हो गए, तो सर ये होते हैं 42 डेज, यस सर 42 डेज। तो सर मैं पहले इनका क्या निकाला, स्टेटस निकाला है कि इस टाइम में कितना रहे हैं। सर ये कौन है, इंडियन सिटीजन है क्या, नहीं इंडियन सिटीजन नहीं है, पहली बात इंडियन सिटीजन नहीं है, ना ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये क्वेश्चन नहीं बोला। तो सर एक्सेप्शंस तो अप्लाई करना ही नहीं है, एक्सेप्शंस तो अप्लाई करना ही नहीं है। तो सर इसका मतलब हमें एज पर 6(1) बेसिक कंडीशन ही चेक करनी है, यस सर बेसिक कंडीशन ही हमें चेक करनी है। सर बेसिक कंडीशन क्या है सर, पहला भाई 182 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए करंट ईयर में, जो मेरे केस में रहता है, और जो जैसे ही रहता है वो मेरा क्या बन जाता है सर, रेजिडेंट, यस सर रेजिडेंट बन जाता है। सर फिर भी दूसरी कंडीशन तो मेंशन करनी बनती है ना पेपर में, ऐसा तो नहीं है। और दूसरी कंडीशन थी सर 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स। तो सर क्योंकि वो 365 करंट ईयर में रहा है, तो 60 डेज तो सेटिस्फाइड है, और पिछले चार साल सर ये है, इससे पहले तो वो रहा ही नहीं ना सर, पिछले चार साल में रहा है सर ये 365 डेज से ज़्यादा, यस ये रहा है सर 407 दिन, तो सर ये यस यहाँ भी सेटिस्फाइड है, यस। तो सर इसका मतलब क्या बनता है, वो रेजिडेंट बनता है, बिल्कुल सर। अब आते हैं सर एज पर 6(6) एडिशनल कंडीशन। सर यदि इन्हें दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, एडिशनल कंडीशन इसने दोनों सेटिस्फाई कर दी, तो सर ये माना जाएगा ROR, अदरवाइज माना जाएगा RMR। तो सर दोनों एडिशनल कंडीशन बताइए सर, दोनों एडिशनल कंडीशन है सर हमारी रेजिडेंट इन 2 ईयर्स आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स एंड 730 डेज और मोर इन इंडिया इन लास्ट सर। आप देखेंगे लास्ट 7 इयर्स में वो कैसे रहा है, तो सर आप देखिए टेबल बनाइए आप फटाफट से, 2021 में कितने दिन रहा है सर वो 365 डेज, 2020 में कितने दिन रहा है सर वो 42 डेज, और सर उसके बाद के जो 7 साल 8 साल जितने भी बचते उसमें कोई भी दिन वो नहीं रहा। तो सर ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो पाई, 7 साल में वो 730 दिन नहीं रह पा रहा है, वो कितने दिन रह पा रहा है सिर्फ और सिर्फ 407 डेज, सिर्फ और सिर्फ 407 डेज, यस सर ये नहीं हो पाई। प्लस सर पिछले 2 साल 10 साल में 2 साल रेजिडेंट, तो सर पिछले 2 साल कौन से आते हैं 10 सालों में, सर देखिए इनमें तो वो इंडिया में एक भी दिन नहीं रहा, तो यहाँ तो सभी में नॉन रेजिडेंट बन जाएगा वो, है ना 8 सालों में। तो सर इन 2 सालों में चेक कीजिए, इसमें तो वो रेजिडेंट है क्योंकि इन्हें पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई कर दी, बट सर इसमें नॉन रेजिडेंट है क्योंकि ना ये 60 दिन है ना ये 182 है, तो सर ये वाली पे सेटिस्फाई नहीं होती है, इट मीन सर वो RNOR बनेगा, क्या बनेगा सर RNOR बनेगा। आंसर देखिए सर, यस सर, तो सर इसमें पहले हमने क्वेश्चन में पहली एडिशनल कंडीशन ही चेक की थी और वो RNOR बन गया क्योंकि वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। सर अब हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ फिनिश होता है, अब हम देखते हैं हमारा एक कॉन्सेप्ट जो छोटा सा रह गया था, जो इंडियन शिप पे बंदे होते हैं, जो इंडियन शिप पे क्रू मेंबर्स होते हैं, उसके लिए हमने बोला था ना कि बंदे जो जाते हैं क्रू मेंबर बनके इंडियन सिटीजन, उस पे हम सेकंड कंडीशन नहीं लगाते, हम उसमें पहली बेसिक कंडीशन चेक करते हैं 182 डेज और मोर, क्लियर। सर इसमें प्रॉब्लम आती है इसके डेज काउंट करने में, कैसे सर बंदा इंडियन शिप है, ठीक है अब इसको समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। देखिए जो हमारी लेट्स से चाइना और यहाँ है इंडिया,
राइट सर। सर हमारी जो शिप है, शिप का क्या होता है, एक बार शिप मेरी जाती है, एक बार शिप आती है, ठीक है। शिप सर, जो पर्सन इस शिप पे इंडिया से एक बार चढ़ा, फिर वहां जाके लेट से ये 40 दिन इसको जाने में लगते हैं और 45 दिन इसको वापस आने में लगते हैं, तो सर वो मेंबर इंडियन शिप है, शिप इज इंडियन, यस इंडियन शिप है। इंडियन शिप पे जो मेंबर है उसका हमें क्या चेक करना है सर, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए उन्होंने बोला सर 182 डेज और मोर आप लिव करेंगे इंडिया में तो ही आप रेजिडेंट बनेंगे, और कोई कंडीशन आपको चेक ही नहीं करनी होती है, बशर्ते वो इंडियन सिटीजन है ना। ये सर अब 182 डेज कैसे चेक करें कि वो 182 डेज रहा है या नहीं। सर वो तो 365 दिन घूमता रहता है, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से कभी यहाँ से वहाँ कभी। तो इसके लिए भारत सरकार ने बोला, अब रूल 126 उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने क्राइटेरिया बताया कि 182 डेज हम कैसे चेक करें। उन्होंने बताया जो ऐसे मेंबर्स होते हैं ना, क्रू मेंबर्स जो शिप पर रहते हैं हमेशा, तो उन्होंने बोला सर जो जब बंदा शिप पर है, जिस दिन वो शिप में चढ़ा और जिस दिन वहां जाके उसने अपना साइन ऑफ किया कि मैं उतर गया हूँ या समथिंग, एक डॉक्यूमेंट साइन किया, वो पीरियड उसको हटा दिया जाता है। क्योंकि सर वो पीरियड हटाने का लॉजिक है, जो उस जर्नी का पीरियड है ना, ये बोले हम जो जर्नी का पीरियड है, चाहे वो आने वाली चाहे जाने दोनों, जर्नी का पीरियड एक्सक्लूड करते हैं, जर्नी का पीरियड एक्सक्लूड करते हैं, मतलब सर साल में 365 डेज हैं और उसमें से उसकी जितना भी जर्नी का पीरियड है, मान लीजिए उसने 365 दिन में से 300 दिन तो वो सर शिप पे रहा, शिप पे मतलब जर्नी में रहा, ठीक है जर्नी में रहा, तो सर उसके इंडिया में 65 डेज ही रहे हुए माने जाएंगे। ये सर ऑब्वियसली सर बंदा पूरे साल आपकी भारत सरकार की सेवा कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मान लीजिए गवर्नमेंट शिप है ना, वो पूरे साल अपने शिप पे कंटिन्यूसली अपनी सर्विस दे रहा है, आने में भी जाने में भी, ठीक है चाइना जा रहा है, मल्टीपल कंट्रीज जा रहा है, तो सर उसको इंडिया में फिर भी रेजिडेंट बोल देगा यदि गवर्नमेंट कि भाई तुम तो इंडिया में रह रहे हो, ऐसे कैसे बोल देगा, नहीं ना। तो सर इसके लिए बोला कि आप जितना भी जर्नी पीरियड है मेरा एक्सक्लूड कर दीजिए, तब आप माने जाएंगे, रिमेनिंग डेज आपके इंडिया में माने जाएंगे। ये सर इसके लिए रूल 126 आता है। रूल 126 कहता है, आप देखिए क्या कहता है, देखिए रूल 126 किस लिए सर, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 6 इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कौन है इंडियन सिटीजन, ऑब्वियसली ये एक्सेप्शन लगता है इंडियन सिटीजन पे, यदि इंडियन सिटीजन नहीं है तो सर उस पर तो एक्सेप्शन लगेगा ही नहीं, तो उसमें हमें चेक भी नहीं करना। तो सर इंडियन सिटीजन एंड ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ शिप पीरियड और पीरियड्स ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एलिजिबल वॉयज, मतलब सर उसको जो इंडिया में स्टे का पीरियड है वो क्या माना जाएगा, वो बता रहा है जो इंडिया में पीरियड ऑफ स्टे है वो शैल नॉट इंक्लूड, वो पीरियड इंक्लूड नहीं करेगा, पीरियड कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द सब रूल 2, राइट। तो सर सब रूल 2 है ये, सब रूल 2 है ये टेबल, ये बोलता है कि ये वाला पीरियड आप एक्सक्लूड कर दीजिए 365 डेज में से, ये वाला पीरियड जो स्टार्ट होता है यहाँ से और फिनिश होता है यहाँ पे, ये पीरियड आप एक्सक्लूड कर दीजिए, बाकी पीरियड आप माने जाएंगे इंडिया में रहे हैं। तो सर उसके लिए पहले देखते हैं एलिजिबल वॉयज, सर ये ना सभी के लिए अलाउड है क्या, ये सर सभी के लिए नहीं है, सॉरी सभी के लिए नहीं है, एलिजिबल वॉयज होती है सर जर्नी, वॉयज होती है एक शिप, मतलब एक होती है शिप की जर्नी, जो शिप की जो जर्नी होती है उसको बोलते हैं वॉयज। तो सर एलिजिबल वॉयज, तो सर देखिए एलिजिबल वॉयज शैल मीन ए वॉयज अंडरटेकन बाय शिप एंगेज्ड इन कैरी ऑफ पैसेंजर्स और फ्रेट इन इंटरनेशनल ट्रैफिक वेयर फॉर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया डेस्टिनेशन इन आउटसाइड इंडिया, डेस्टिनेशन इन आउटसाइड इंडिया। तो सर ये बात कर रहा है जाने वाली शिप यहाँ से, तो सर मतलब जो शिप जर्नी जो वॉयज स्टार्ट होती है ओरिजिनेट होती है कहाँ से, इंडिया से, इंडिया के कहाँ से, इंडिया में ऑब्वियसली पोर्ट से होगी ना, बंदरगाह से होगी पोर्ट, तो सर इंडिया के पोर्ट से वो ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे जाके क्या होती है, डिसकंटिन्यू है कहाँ होती है, खत्म होती है कहाँ पे, उसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है, वो होती है एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, मतलब ये है मान लीजिए जो हमारे इंडियन है, इंडियन जो हमारा मैप है, इंडियन मैप के हिसाब से, ठीक है सॉरी ये बंदा ही बन रहा है, आप देखिए इंडियन मैप के हिसाब से हम इसको समझाते हैं सर। ये देखिए यहाँ है मेरा, यहाँ है मेरा सर उड़ीसा, राइट, कोंडागे मतलब उड़ीसा का स्टेट का बॉर्डर है, यहाँ से चेन्नई है, यहाँ हमारा चेन्नई है सर, यहाँ से शिप चली और यहाँ फिनिश हो गई, यहाँ से शिप चली
यहाँ से हो गई और जो मेंबर ऑफ क्रू था वो शिप पे था और इस शिप को जर्नी करने में मान लीजिए 15 डेज आपके लगे, मान लीजिए 15 डेज आपके लगे और इसी तरह से फिर वो वापस भी आया तो सर फिर वो बोलेगा सर नहीं मुझे तो रूल 126 के हिसाब से मेरे ही 15 दिन मत काउंट करो इंडिया में, वो तो ये बोलेगा क्योंकि नॉर्मल क्या है जर्नी का पीरियड हम एक्सप्लोर करते हैं। बट सर देखिए सबसे पहले हमें चेक करनी होती है क्या ये जो जर्नी थी, क्या ये जो वॉयज थी, क्या ये एलिजिबल वॉयज थी। सर एलिजिबल वॉयज नहीं थी ये, क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनेट तो हुई, ओरिजिनेट तो होती है कहाँ से? पोर्ट इन इंडिया, तो सर ये चेन्नई पोर्ट से होती है। यस बट सर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन तो इसकी पोर्ट इन इंडिया, पोर्ट आउटसाइड इंडिया नहीं है, पोर्ट आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। एलिजिबल वॉयज कब बनेगी सर? जब वो इंडिया से ओरिजिनेट हो और डेस्टिनेशन उसकी आउटसाइड इंडिया पोर्ट हो। बट सर इसकी तो डेस्टिनेशन पोर्ट इन इंडिया, जो पोर्ट हमारे इंडिया में उड़ीसा का पारादीप पोर्ट बोल सकते हैं, ये तो वही है। तो सर ये एलिजिबल वॉयज नहीं है इसलिए ये 15 डेज उसके इंडिया में काउंट होंगे, इसको आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे। आप एक्सक्लूड कौन सा पीरियड करेंगे सर? उस जर्नी का जो एलिजिबल है। और एलिजिबल कौन सी होती है सर? जो इंडिया से स्टार्ट होती है और फिनिश होती है आउटसाइड कंट्री। तो सर देखिए ये हो गया पहला। दूसरा सर एक एलिजिबल वॉयज होती है जो एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया, बाहर से स्टार्ट हुई, बाहर कंट्री से, और वो उसकी डेस्टिनेशन है एनी पोर्ट इन इंडिया, इन इंडिया। तो सर ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है मान लीजिए ये हमारा ठीक है। तो मान लीजिए सपोज यहां है यूएसए, यहां है इंडिया। सर इंडिया में, इंडिया में जो हमारा सी है, ये हमारा जो सी है सर, ये है हमारा सी। मान लीजिए यहाँ पे चेन्नई पोर्ट है, यहाँ है चेन्नई पोर्ट। सर यूएसए से कोई शिप चलता है, आता है वो यहाँ चेन्नई। सर ये तो मेरी एलिजिबल वॉयज है, ये वाली तो मेरी एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि सर ये आउटसाइड इंडिया पोर्ट से ओरिजिनेट होती है और डेस्टिनेशन होती है इसकी इंडिया में। सर इस शिप ने यहाँ से फिर एक जर्नी इसी को कंटिन्यू करा, यहाँ रुक कर 10 मिनट रुका, फिर यहाँ से हमारे उड़ीसा पोर्ट पे आ गया फिर से। सर फिर उड़ीसा से फिर क्या हुआ सर? फिर वो वापस आया और फिर वापस यूएसए चला। तो सर तीन जर्नी हो गई यहाँ पे। पहला तो आया सर यूएसए से चेन्नई, सर ये तो एलिजिबल है। यस सर, जब भी चेन्नई से इसने उड़ीसा तक सफर किया वो नॉट एलिजिबल, और सर फिर उसने उड़ीसा से सीधा यूएसए गया, ये एलिजिबल। तो सर ये वाले डेज आप एक्सप्लोर करेंगे, ये वाला करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, राइट सर? अब सर देखते हैं एक्ट में क्या लिखा है। एलिजिबल वॉइस आपने देखा, तो सर वो पीरियड स्टार्ट करते हैं कहां से? जो बिगिन होता है डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। देखिए जब मेंबर ज्वाइन करता है शिप को तो एक फॉर्म होता है, एक फॉर्म एक तरह से CDS कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वो उसको जिस दिन ज्वाइन करता है ठीक है उस दिन में उस सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन है ठीक है वो डेट उसकी ज्वाइनिंग डेट मानी जाएगी शिप को। और वो डेट हमारी वहां से लेकर वो किस दिन एंड हो रही है, एंडिंग द डेट ऑन जो एंटर हुई है CDS में, सेम CDS में वो डेट दोबारा एंटर करेगा जिस दिन वो साइन ऑफ करता है। तो सर साइनिंग ऑफ की डेट जिस दिन उसने की वो डेट उसकी CDS में एक तरह से वो क्या करेगा, मान लीजिए कोई फॉर्म है CDS ठीक है उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ दोनों मेंशन है ठीक है। तो ये पीरियड, इन दोनों डेट्स का बीच का पीरियड हमारा एक्सक्लूड कर देंगे जब हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं। यस सर एग्जाम्पल देखेंगे सर, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने। सर मिस्टर विक्रम इज एन एम्प्लॉयड बाय इंडियन शिप, देखिए मैंने बताया इंडियन शिप होना जरूरी है। यस सर इंडियन शिप, मिस्टर विक्रम को मानते हैं इंडियन सिटीजन है, एग्जाम्पल मतलब दिया नहीं है बट हम एज्यूम करेंगे इट इज एन इंडियन सिटीजन। तो सर इंडियन सिटीजन है इंडियन शिप में, वो क्या फ्रीक्वेंटली टूर पे रहता है? यस अब्रॉड ऑन द शिप एज मेंबर ऑफ क्रू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मार्च 2021-22, जो हमारे प्रीवियस ईयर जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उस साल में क्या हुआ था, उसने ये जर्नी अंडरटेक की, तीन जर्नी, पहला दूसरा तीसरा। पहला है सर शिप लेफ्ट फ्रॉम मुंबई इंडिया, सर इसको नोट करते हैं फटाफट से, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। पहली जर्नी मुंबई, मुंबई में 1 मई 2021 से इसने स्टार्ट की,
डेस्टिनेशन कहाँ थी सर? ऑस्ट्रेलिया। हाउएवर द शिप पहले कहाँ गई? शिप रीच कोचिन फ्रॉम मुंबई ऑन 10 मई। सर 1 मई से 10 मई पहली हुई हमारी कोचिन, ठीक है। इसके बाद सर शिप ने कोचिन को लेफ्ट किया 13 मई को और ऑस्ट्रेलिया पहुंची 26 मई। दूसरा जब उसने स्टार्ट किया कोचिन से चला वो ऑस्ट्रेलिया, तो सर ये हुआ सर हमारा 13 मई को इन्हें शिप स्टार्ट किया यहाँ से और सर 26 मई को वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, राइट सर। इसके बाद सर वो शिप वापस आया 10 जून ऑस्ट्रेलिया से और कहाँ आया सर? कोचिन। सर थर्ड आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया से वो वापस आता है कोचिन, किस दिन आता है सर? 10 जून से 20 जून, 10 जून से 20 जून तक, यस। और सर लास्ट है शिप देन सेल टू मुंबई ऑन 5 जुलाई, कोचिन से सर मुंबई वापस आ गया, किस दिन स्टार्ट हुआ सेल हुआ किस दिन? ये हुआ सर 5th ऑफ जुलाई को, किस दिन सर? ये आता है हमारा 5th ऑफ जुलाई को, राइट सर। और उसके बाद तो सर वो क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब वो 31st मार्च तक मानेंगे वो इंडिया में ही रहता है। सर अब हमें इसका लिंक क्या करना है इस बंदे का, कौन सर? मिस्टर विक्रम का हमें क्या करना है सर? रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। फॉर द अबव वॉइस CDS क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि CDS जो हमारा CDS था फॉर्म वो बताता है कि द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप वाज 1st ऑफ मई एंड साइनिंग ऑफ वाज 6th ऑफ जुलाई। CDS के हिसाब से ज्वाइन डेट क्या थी सर हमारी? 1st ऑफ मई एंड साइन ऑफ डेट क्या थी सर? सर पहला पार्ट हो गया आपका यहाँ पे, दूसरा पार्ट आता है इसके बाद मिस्टर विक्रम लेफ्ट फॉर द राउंड द बर्थ ट्रिप ऑन शिप एज मेंबर ऑफ क्रू ऑफ शिप ऑन 1st ऑफ नवंबर। सर इसके बाद अभी इसका सिलसिला थमा नहीं है, इसके बाद सर वो बंदा क्या करा है, इसने मुंबई से फिर से शिप चलाई, शिप मुंबई से कोचिन से चेन्नई से फिर पैसेंजर पिक करे और देन ये आके चेन्नई अब्रॉड पहुंचा 15 सितंबर को और फिर चेन्नई को वापस आया वो 15 दिसंबर को और सर उसके बाद फिर कोचिन के बाद मुंबई फाइनली आता है 30 दिसंबर को। सर मुंबई से चलता है और मुंबई को वापस आता है किस दिन? 30 दिसंबर को। सर इसका भी CDS बना हुआ? यस इसका भी CDS बना हुआ। सर इसमें साइनिंग डेट और इसकी ज्वाइनिंग डेट बताओ। सर इसके लिए CDS जो करता है 1 नवंबर को दिखाता है कि बंदे ने उस दिन ज्वाइन किया था शिप, ज्वाइनिंग डेट थी 1 सितंबर और साइन ऑफ था 30/12। अभी क्या सर अब देखेंगे आप इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे। सर बोला द फॉलोइंग पीरियड शैल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर कंप्यूटिंग हिज स्टे इन इंडिया। कौन सा पीरियड हम 360 जो हमारा पूरा साल है उसमें से कौन सा पीरियड हम एक्सक्लूड करते हैं? सर जो पीरियड जो CDS में उसके डेट ऑफ साइनिंग से डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डेट ऑफ साइनिंग तक का पीरियड है वो हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो सर पहली शिप में डेट ऑफ साइनिंग एंड ज्वाइनिंग जो था पहली जर्नी में वो 1 मई से 6 जुलाई था, 1 मई से 6 जुलाई। सर 1 मई से 6 जुलाई के 67 डेज होते हैं। दूसरी जर्नी थी ये वाली, इसमें 1 सितंबर से 30 दिसंबर था, ये होते हैं 121 डेज। तो सर ये दोनों पीरियड हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। तो सर ये दोनों पीरियड होते हैं 188 डेज और क्योंकि 360 जो हमारा ईयर है
31 मार्च 2022 365 डेज होते हैं उसमें, उसमें से माइनस करेंगे तो सर 177 डेज उसके इंडिया में माने जाएंगे, उसके 177 डेज इंडिया में माने जाएंगे। सर 177 डेज है क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला केस था, तो वहां तो पहली कंडीशन लगती है, पहली कंडीशन थी 182 डेज, और क्योंकि 182 डेज से कम रहा है इट मींस ही इज ए नॉन रेजिडेंट, ही इज ए नॉन रेजिडेंट। सर आसान था, यस आसान था, कुछ नहीं है। इन्होंने बोला है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 6 इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन होगा एज ए मेंबर ऑफ क्रू इंडियन शिप पे है, तो उसका जो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया है, इंडिया में जो रहने वाले दिन है 365 दिन में से कितने दिन वो इंडिया में रहा माना जाएगा, तो उसे कैसे निकालोगे। तो उसे बोला आप जो टोटल साल है ना उसमें से वो दिन हटा दो जो उसने जर्नी में स्पेंड करे, तो जर्नी में कैसे, इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑल एलिजिबल वॉयज नॉट इंक्लूड द पीरियड, कौन सा सर, जो CDS में साइन हुआ था और CDS में ज्वाइन हुआ था, CDS में डिस्चार्ज हुआ था। सर अब आप बोलेंगे इस क्वेश्चन में तो सर आपने हमें ये बताया नहीं ना कि ये एलिजिबल वॉयज थी नहीं, तो सर देखो CDS जो बनता है एक जर्नी का बनता है, CDS बनता है एक जर्नी का, मैंने CDS देखे यहाँ जब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना मुंबई से ओरिजिनेट, तो ये जा कहाँ रहा था सर, ये जा रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर ये ऑस्ट्रेलिया से चला फिर मुंबई आया, ये एक कंप्लीट जर्नी थी और CDS ने इसको एक कंप्लीट जर्नी माना, मतलब क्वेश्चन कह रहा है ये एक कंप्लीट जर्नी है, बीच में कहीं भी जाए डजंट मैटर, ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है और वापस आके यही खत्म होनी है, तो दिस इसलिए CDS में आने और जाने का पूरा इकट्ठा इन्होंने साइनिंग कराई उससे, राइट, तो इसलिए हम पूरा पीरियड एक्सप्लोर कर रहे हैं। अदरवाइज यदि क्वेश्चन बोलता सर ये चार जर्नी अलग अलग हैं, ये चार जर्नी अलग अलग हैं और चारों को हमें क्या दिया होता CDS, चारों को हमें सेपरेटली CDS दिया होता, CDS के डेज दिए होते, तो सर फिर आप ना क्या करते, फिर आप वो एलिजिबल वॉयज छांटते जो एलिजिबल है, मतलब इंडिया से फॉरेन बोर्ड या फॉरेन बोर्ड से इंडिया, जो विद इन इंडिया है ना वो नहीं लेते, जैसे कोचिंग से मुंबई वाला, तो ये वाली जर्नी इसमें काउंट नहीं होती फिर, ठीक है ना, फिर ये वाली जर्नी इंडिया में मानी जाती, राइट। तो सर इस तरह से हमारा ये चैप्टर में हमारा इंडिविजुअल का स्टेटस पूरी तरह से फिनिश हो गया, इसके और क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बैंक में दूंगा आपको, ठीक है। अब बाकी आप देखते हैं सर, बाकी हमारे दो लोग बचते हैं, देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस अब हमने जो देखा है, हमने देखा इंडिविजुअल, यस सर इंडिविजुअल का हम देख चुके हैं 6-1 में होता है, यस प्लस सस्टिक 6 में इसकी क्या होती है एडिशनल कंडीशंस होती हैं। सर इसके बाद हम देखेंगे HUF फर्म एंड AOP 6-2 में, और इसके बाद सर लास्टली हम देखेंगे कंपनी 6-3 में, और सर इसके बाद अदर एसएससीज 6-4 में। सर अभी तक हमने ये चेक कर लिया, सर अब देखते हैं HUF AOP एंड फर्म्स, फर्म्स मतलब पार्टनरशिप फर्म्स का स्टेटस। सर इसका स्टेटस बहुत सिंपल है, या मैं बात करूं आपका सिंपल HUF, तो सर HUF रेजिडेंट हो सकता है, उसके बाद ये ROR और RNOR हो सकता है फर्म, सर ये सिर्फ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकती है, और सर AOP भी या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट, मतलब इसमें ROR और RNOR इसमें नहीं होते, इसमें ROR RNOR होते हैं, राइट सर। तो सर ये NRB हो सकता है, यस तो सर देखते हैं अपनी बुक में देखते हैं, बहुत सिंपल है सर HUF फॉर्म एंड AOP, सर तीनों का सेम केस बनता है, यस तीनों में सेम केस बनता है, कैसे, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, देखिए इनके लिए रेजिडेंट, देखिए ये क्या है एक बॉडी है एक तरह से ना, HUF क्या है सर, HUF एक फैमिली का ग्रुप है, ठीक है, चार लोग फैमिली में, दिस इज कॉल्ड HUF, मैंने पहले ही बताया था HUF एक मेल मेंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे के जो लोग हैं उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है, दे आर बाय बर्थ, स्टेटस इज बाय बर्थ, तो HUF जो होती है बाय बर्थ बनती है, मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, इट इज की HUF जो फैमिली है उसका स्टेटस कैसे डिसाइड करोगे, तो स्टेटस किसी पर्टिकुलर मेंबर की वजह से डिसाइड होगा, नहीं होगा, एक मेंबर रेजिडेंट है एक मेंबर नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा, तब भी स्टेटस HUF बट उससे इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ इफेक्ट होता है कर्ता के स्टेटस से, वो हम देखेंगे। बट सर HUF को ओवरऑल स्टेटस अपने आप में क्या होगा, तो सर HUF बेसिकली क्या है, HUF को जो कंट्रोल और उसका मैनेजमेंट हो रहा है ना, मान लीजिए HUF क्या करता है सर,
एचयूएफ सर एक बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, यस एचयूएफ बिजनेस करता है, यस बिजनेस करता है, बिजनेस है उसका ट्रेडिंग का है, ठीक है ना, अच्छे खासे टर्नओवर है, 100 करोड़ के आसपास के टर्नओवर है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, चला बोल रहा है, ऑब्वियसली करता चला रहा है ना, यस करता है, एम्प्लॉय रखे हैं, ठीक है, इस तरह से सब मैनेज हो रहा है। तो सर उस एचयूएफ का स्टेटस टैक्स पर्पज से क्या मानेंगे और कैसे डिसाइड करेंगे? तो सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो एचयूएफ का बिजनेस चल रहा है ना सर, उस बिजनेस को कंट्रोल और उसका जो मैनेजमेंट है वो कहाँ से हो रहा है, मतलब कौन सी कंट्री से हो रहा है, डिपेंड करेगा। यदि सर इसका बिजनेस का, इस बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरह से बाहर इंडिया है, ओनली आउटसाइड इंडिया है, मतलब कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया से इसका कंट्रोल होता है, तो ही वो नॉन रेजिडेंट बनेगा। यदि पार्शली या ओनली इंडिया से होता है, इंडिया में यदि थोड़ा सा भी इसका कंट्रोल है ना इस बिजनेस के ऊपर, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, पार्शली आउटसाइड इंडिया से, ठीक है, पार्शली इंडिया से पार्शली आउटसाइड, तब भी इंडिया माना जाएगा, कंप्लीटली इंडिया है तो इंडिया तो है ही, बट नॉन रेजिडेंट ये तभी बनेगा जब वो होली आउटसाइड इंडिया का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होगा। ये सर, सर इंडिया में पार्शली रेजिडेंट है, सॉरी पार्शली और होली है तो इंडिया में रेजिडेंट है, आउटसाइड इंडिया यदि होली है तो नॉन रेजिडेंट। तो सर क्योंकि मैंने एचयूएफ के बारे में बताया कि एचयूएफ आरओआर या आरएनआर बन सकता है, पर एओपी नहीं बन सकते। सर आरओआर आरएनआर डिसाइड कैसे करेंगे एचयूएफ के केस में? तो सर सेम, वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेम जो हमने पहले देखी है। सर एडिशनल कंडीशन दोनों जो है, पिछले 10 साल में 2 साल रेजिडेंट हो या पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, तो सर वो कैसे, किस पर्सन की बात करें? एचयूएफ तो सर फैमिली, तो ये तो फैमिली है ना, फैमिली में तो मेंबर्स हैं, तो सर मेंबर्स में जो करता होता है ना सर, करता हमें हमेशा उसके हिसाब से देखना होता है। यदि करता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहा है तो आर ओ आर, अदरवाइज आर एन ओ आर। तो कहने का मतलब है सर, करता यदि आर ओ आर है तो एचयूएफ आर ओ आर, करता आर एन ओ आर है तो एचयूएफ आर एन ओ आर, बट सर करता नॉन रेजिडेंट है तो सर यदि करता नॉन रेजिडेंट है तो सर ये तो आर एन ओ आर बनेगी ना एचयूएफ, राइट सर, क्योंकि कर्ता की वजह से एचयूएफ का स्टेटस नहीं बनता है, एचयूएफ का स्टेटस बनता है कंप्लीटली उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो हो रहा है उसका इंडिया में, बट कर्ता मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बिजनेस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो रहा है सर इंडिया में, इंडिया में कौन कर रहा है सर? उसका सन जो करता है ना, करता का सन इंडिया में कंट्रोल कर रहा है, बट सर करता तो यूएसए में रहता है और वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, तो सर करता नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, बट एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो इंडिया से उसका सन कर रहा है, तो इट मींस एचयूएफ का स्टेटस तो हुआ सर रेजिडेंट, करता तो नॉन रेजिडेंट। अब सर रेजिडेंट को आप बांटेंगे आर ओ आर और आर एन ओ आर में, सर कैसे? सर अब चेक करेंगे करता क्या है, करता आर ओ आर की सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन? सर नहीं, क्योंकि ये तो नॉन रेजिडेंट है, तो ये आर एन ओ आर की कंडीशन सेटिस्फाई, सॉरी आर ओ आर है, आर एन ओ आर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स एचयूएफ का स्टेटस क्या होगा सर? एचयूएफ होगा आर एन ओ आर, एचयूएफ होगा आर एन ओ आर, राइट सर, ये क्लियर है? यस, इसका एग्जाम्पल देखेंगे सर, ये सेम चीज लागू होती है हमारी पार्टनरशिप फर्म्स पे और एओपी पे। फर्क आता है सर, पार्टनरशिप फर्म्स और एओपी आर ओ आर आर एन ओ आर नहीं होते, आइदर दे आर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, मतलब उनको हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के अलावा नहीं बांटते, वो यदि उनका मैनेजमेंट इंडिया में है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट है। सर आप बात करेंगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है सर? सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब बताइए सर। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है डे टू डे रूटीन ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के, ठीक है, उनसे रिलेटेड डिसीजंस को बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो बिजनेस के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं, तो इसकी बात करते हैं हम सेंट्रल, मतलब सेंट्रल कंट्रोल होना चाहिए। तो बिजनेस में कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब है सर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाली जो अथॉरिटी है वो कहाँ पे है, उसके डिसीजंस लिए कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, वो इंडिया से लिए जा रहे हैं या बाहर से लिए जा रहे हैं, वो बात होगी। ये नहीं कि आपके नॉर्मल डे टू डे से जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो यदि इंडिया से लिए जा रहे हैं तो इट मीन्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, अदरवाइज आउटसाइड इंडिया में है। इसी तरह से सर इसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं बिजनेस होता है ना, एचयूएफ का बिजनेस विदेश में चल सकता है, यस एचयूएफ का बिजनेस विदेश में चल रहा है, फॉरेन कंट्री में चल रहा है, बट उसके सारे डिसीजन इंडिया में लिए जा रहे हैं, उसके सारे डिसीजन इंडिया में लिए जा रहे हैं। तो बिजनेस ऑफ एचयूएफ कैन बी डन आउटसाइड इंडिया बट स्टिल द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कैन बी इन इंडिया, मतलब वो प्लेस जहां उसका हेड एंड ब्रेन है, ठीक है, हेड एंड ब्रेन जहां है
वहां उसका क्या माना जाएगा, रेस ऑफ जो क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट माना जाएगा। यस सर। तो इसके बाद आता है बाकी अथॉरिटीज का स्टेटस, लोकल अथॉरिटी सर 6-4। तो सर ये सेम है, इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यदि हमारे इंडिया में होता है पार्शली या फुली तो इंडिया, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि तो कंट्रोल मैनेजमेंट इनका क्या है, होली आउटसाइड इंडिया है। यस सर। सर क्वेश्चन देखिए एचयूएफ का, देखिए द पर्सन ऑफ एच द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। देखिए बिजनेस जो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया से चल रहा है, एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर। ऑस्ट्रेलिया में आप डिसीजंस ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप बिजनेस कर रहे हैं। मिस्टर वैभव कौन है, करता है, मिस्टर वैभव इज द कर्ता ऑफ एचयूएफ हु वाज बोर्न इन कोलकाता, विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-20 डेज आफ्टर 15 ईयर्स, राइट। वो इंडिया में आता है 1 अप्रैल को, और इंडिया से बाहर फिर ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाता है 1 दिसंबर को। डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ वैभव एंड एचयूएफ। सर इसमें दोनों क्वेश्चन पूछे हैं, कर्ता का स्टेटस भी पूछा है और एचयूएफ का स्टेटस भी। तो आप पहले माइंड में रखिए एचयूएफ का स्टेटस कर्ता के स्टेटस से डिपेंड नहीं होता है, एचयूएफ का स्टेटस कर्ता के स्टेटस से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है, एचयूएफ का स्टेटस सोली डिटरमाइन होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पर। सर सबसे पहले हम निकालते हैं एचयूएफ का, पहले निकालते हैं मिस्टर वैभव का स्टेटस। देखिए मिस्टर वैभव का स्टेटस तो हमारा नॉर्मल है, मिस्टर वैभव कौन है, देखिए मिस्टर वैभव कोलकाता में बॉर्न हुआ था, इंडिया विजिट कर रहा है कब, 21-22 में, 15 साल के बाद। इससे पता लगता है सर 15 साल का बात का मतलब है सर पिछले 10 सालों में रेजिडेंट नहीं रहा होगा, पिछले 7 सालों में 730 दिन नहीं होंगे, पिछले 4 सालों में 365 दिन भी नहीं होंगे। एक बात और पता लगती है सर, वो जब बाहर से इंडिया आ रहा है तो इस पर एक्सेप्शन लगेगा, एक्सेप्शन लाएंगे ये, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। तो सर एक्सेप्शन लाएंगे, एक्सेप्शन में बाहर से आने वालों में वही 15 लाख से ऊपर है तो हम एडिशनल कंडीशन में जाएंगे, अदरवाइज हम वही हमारी नॉर्मल पहली कंडीशन में फॉल करेंगे। तो सर इसका स्टेटस देखते हैं, ड्यूरिंग द 21-22 मिस्टर वैभव कितने दिन रहा है। सर मैंने सभी जिस दिन आया और जिस दिन गया वो सारे डेज काउंट कर लिए, तो देखा सर वो 245 डेज रहा है, 245 डेज रहा है। इट मीन सर वो इंडिया में फर्स्ट कंडीशन में फॉल कर गया और वो रेजिडेंट है। ये सर वो रेजिडेंट है। अब सर चेक करते हैं क्या वो आर ओ आर है या आर एन ओ आर है। तो सर आर ओ आर आर एन ओ आर के लिए हमारे पास 6-6 की हमारी जो एडिशनल कंडीशन है, पिछले 10 सालों में 2 साल में रेजिडेंट एंड पिछले 7 सालों में 3,730 दिन। तो वो तो है ही नहीं सर, क्योंकि वो तो पहली बार इस साल में इंडिया है, पिछले साल में तो 1 भी दिन इंडिया ने रहा, वो सेटिस्फाई नहीं होती है। इट मीन्स वो क्या होता है, आर एन ओ आर बनता है। यस सर। अब सर करते हैं बात करते हैं एचयूएफ के स्टेटस की। सर एचयूएफ का स्टेटस होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यदि कंप्लीटली 100% आउटसाइड इंडिया होता है तो वो नॉन रेजिडेंट बन पाएगा, अदरवाइज इंडिया मतलब रेजिडेंट। क्वेश्चन में बोला है ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में उसके सारे की डिसीजन पॉलिसी डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो सर हम क्वेश्चन जितना बता रहे हैं उसके हिसाब से देख पा रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से वो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है। यस ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में 100% है। यस पार्शल इंडिया में नहीं है, 100% आउटसाइड इंडिया है। तो सर सिंस द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड नथिंग इज मेंशनड रिगार्डिंग इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इट इज अज्यूम्ड दैट द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि वो की पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में उसके क्या है की डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो मानेंगे उसको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया, देयरफॉर इट इज ए नॉन रेजिडेंट। सर सपोज क्वेश्चन बोलता है इंडिया से इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में, तो सर क्या होता, वो रेजिडेंट बन जाता है। यस सर वो रेजिडेंट बन जाता। फिर आर ओ आर कैसे डिसाइड करते हैं या आर एन ओ आर। तो सर बोला यदि एचयूएफ का करता, यदि एचयूएफ का करता वो हमारी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यदि एचयूएफ का करता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ही आर ओ आर, तभी आर मतलब सेटिस्फाई करता है तो आर ओ आर हो जाएगा, अदरवाइज वो आर एन ओ आर होगा। सर हमारे क्वेश्चन में करता का स्टेटस क्या आया था सर, आर एन ओ आर, मतलब वो सर वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, राइट। तो सर इसलिए एचयूएफ भी आर एन ओ आर बन जाएगा, एचयूएफ भी। तो सर समझिए एचयूएफ का प्राइमरी स्टेटस जो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है वो डिसाइड होता है कंट्रोल मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन जब उसके बाद जो आर एन ओ आर या आर एन ओ आर में बाइफर्केशन करना है वो डिटरमाइन होता है कर्ता के ऊपर। मैंने पहले बताया था कर्ता की वजह से एचयूएफ का स्टेटस अफेक्ट नहीं होता, राइट, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी स्टेटस तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के हिसाब से निकालना है। उसके बाद जब आपने देखा इंडिया में कंट्रोल है पार्शली या होली तो इंडिया में वो रेजिडेंट है। यस अब रेजिडेंट के बाद डिसाइड करना है आर ओ आर है या आर एन ओ आर है। तो सर आर ओ आर या आर एन ओ आर डिपेंड करेगा कर्ता के ऊपर,
करता है यदि एडिशनल कंडीशन में फॉल करता है, सेटिस्फाई करता है तो आर और अदरवाइज आर एन और राइट सर। लास्ट है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आज का कंपनी। यस सर कंपनी। तो सर कंपनी के लिए हमने देखा सेक्शन 6(3) तो सर कंपनी के लिए सेक्शन 6(3) की बात करते हैं तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है सर? सर कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हमारे पास सिंपल क्राइटेरिया है। सिंपल क्राइटेरिया है कि कंपनी यदि इंडियन कंपनी है, कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज एन रेजिडेंट, प्लीज नोट। कंपनी यदि इंडियन कंपनी है तो वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई होगी डेफिनेटली, इट मीन्स वो इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी ऑलवेज, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, वो इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी। बट सर यदि कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है तो क्या हुआ? सर कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है, कौन सी कंपनी है सर? फॉरेन कंपनी है सर। फॉरेन कंपनी तो सर वो होती है जो फॉरेन में इंकॉर्पोरेट हुई हो, तो सर फॉरेन कंपनी है तो सर फॉरेन में इंकॉर्पोरेट है। बट सर फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, मान लीजिए फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रही है सर, बट वो तो क्योंकि फॉरेन कंपनी है इंकॉर्पोरेट हुई नहीं है, इट मींस वो हम उसको स्टेटस इंडिया में नहीं मानेंगे, रेजिडेंट वो तो नॉन रेजिडेंट है। यस सर, बट यदि फॉरेन कंपनी का पीओईएम इंडिया में है, पीओईएम क्या सर? पीओईएम होता है सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो सर वो रेजिडेंट मान ली जाएगी, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। तो सर इसको सिंपली हम यहां से एक समराइज करते हैं। देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं तो सर कंपनी हम रेजिडेंट मानेंगे इंडिया में तब जब या तो वो इंडियन कंपनी है, यस सर इंडियन कंपनी इज ऑलवेज एन रेजिडेंट, ऑलवेज ए रेजिडेंट राइट। दूसरा सर यदि फॉरेन कंपनी है तो उसका क्या पीओईएम इन इंडिया? पीओईएम होता है सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया। सर ऐसी सिचुएशन की बात आती है तब आती है, देखिए एग्जांपल से मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। देखिए यूएसए है और इंडिया, सर यूएसए में है ए लिमिटेड, ये बिजनेस कर रही है इंडिया में अपनी ब्रांच, ठीक है। एक तरह से मैं बात करूं फॉरेन कंपनी जो है ये इस तरह समझते हैं, और एक यहां ए लिमिटेड इंडियन कंपनी है, अब सर क्या है ना ए लिमिटेड क्या है सर? होल्डिंग कंपनी है, ए लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और इसने इसमें 100% स्टेक रखा है। तो सर क्या है ना यूएसए में बिजनेस चलाने के लिए जो इंडियन कंपनी है ना ए लिमिटेड ने अपनी एक सब्सिडरी खोल ली अपनी यूएसए में। यूएसए में जैसे ही उसने सब्सिडरी ओपन की तो वो यूएसए में इंकॉर्पोरेट हुई है तो वहां के लॉस के हिसाब से वो रेजिडेंट वहां के लिए बना। इंडिया में तो इंकॉर्पोरेट नहीं हुई ना ये कंपनी, तो इंडिया में तो रेजिडेंट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इंडिया में ये रेजिडेंट कंपनी इंडियन कंपनी नहीं कहलाती, ये इंडिया के लिए क्या मानी जाएगी सर? ये मानी जाएगी फॉरेन कंपनी। यस सर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कंपनी जो फॉरेन में यूएसए में ओपन हुई है वो क्या मानी जाएगी सर? फॉरेन कंपनी। अब सर इंडियन कंपनी तो इंडिया में तो ये तो रेजिडेंट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यस सर बात आती है जो ए लिमिटेड ने यूएसए में ओपन की वो इंडिया में रेजिडेंट बन सकती है क्या? तो सर बोला गया है इंडिया में वो रेजिडेंट बन सकती है। कब सर? फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बनेगी तब जब उसका पीओईएम इंडिया में हो। सर पीओईएम कैसे पता लगेगा? सर POEM होता क्या है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होगा तो वो इंडिया में रेजिडेंट मान ली जाएगी। सर पहले समझते हैं POEM होता क्या है। तो सर POEM होता है फॉर दिस पर्पस POEM टू मीन, सर ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, मतलब सर POEM मतलब ना ये यदि कोई इस कैटेगरी में फॉल करेगा तो ही माना जाएगा इंडिया में पीओईएम उसको, अदरवाइज नहीं। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। पीओईएम टू मीन ए प्लेस वेयर की मैनेजमेंट, देखिए की हाईलाइट करना है पे, की मैनेजमेंट डिसीजंस एंड कमर्शियल डिसीजंस जो नेसेसरी हैं, विच आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटिटी एज ए होल,
आर इन सब्सटेंस मेड, इन सब्सटेंस मेड वो प्लेस हमारा क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या बोला क्या सर, पीओईएम क्या होता है, वो प्लेस जहां क्या होता है सर, वेयर की मैनेजमेंट डिसीजन, की मैनेजरियल प्लस कमर्शियल डिसीजंस, जो क्या है सर, विच आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, नेसेसरी है, क्या है वो, नेसेसरी है फॉर बिजनेस, राइट सर, वो डिसीजंस जो नेसेसरी है बिजनेस के लिए आर मेड इन सब्सटेंस, वो प्लेस। सर ये क्या मतलब है सर, मतलब सर फॉरेन कंपनी यूएसए में काम कर रही है अपना बिजनेस, यहाँ ट्रेडिंग वगैरह सब काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो कर रही है वो वहाँ कर रही है यूएसए में, बट सर इसके डायरेक्टर्स इंडिया में है मान लीजिए, या जो उसका कंट्रोल है, इसकी अथॉरिटी है, इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन लोगों के पास है जो इंडिया में है, ठीक है। तो मतलब कंट्रोल एंड इसका जो मैनेजमेंट है ना, वो इफेक्टिव जो इसके मेन डिसीजन होते हैं, वो डिसीजन जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है और जो जरूरी है, जो बिजनेस चलाने के लिए बहुत जरूरी डिसीजंस हैं, वो लिए जाते हैं ऐसे प्लेस पर, ऐसे प्लेस पर जहां मतलब जिस प्लेस पर वो डिसीजन लिए जाते हैं, वो प्लेस उसके लिए क्या माना जाता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पर क्या मतलब है कि सर, क्योंकि ये कंपनी ना, ये कंपनी हमारी इंडियन प्रमोटर्स ने बनाई है, वहां फॉरेन में सारी हिस्सेदारी इंडियंस की है, यस सर। अब ऐसा हो सकता है ना, होता आपको कंपनी लॉ में भी आप पढ़ेंगे कि कंपनी में दो लोग होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है शेयर होल्डर्स, तो सिर्फ शेयर होल्डर होते हैं जो ओनर, ओनर्स होते हैं। तो सर कई बार क्या होता है, ओनर्स अपना पैसा डाल के ओनर तो बन जाता है, बट वो हिस्सेदारी मतलब अपने डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके लिए उन्होंने इस सिजर्जी के लिए, मैनेजमेंट के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंट किया है। तो इन्होंने क्या करा, कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर्स क्या करते हैं सर, डायरेक्टर्स ही जो बिजनेस चलाते हैं, इनमें एक एमडी बना सकते हो आप, है ना, इसी में से किसी को आपने सीईओ निकाल के बना दिया, किसी को सीएफओ बना दिया। तो सर कहने का मतलब, आपने एक जो जो मैनेजिंग गवर्निंग बॉडी है वो आपने अपॉइंट कर दी, ये बंदे क्या बच कर रहे हैं, बिजनेस हमारा मैनेज कर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट गवर्नेंस, या ये बोले शेयर होल्डर्स, तो सर शेयर होल्डर्स तो मेरे मालिक हैं। अब देखिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स तो इंडिया के हैं बट कंपनी चल रही है विदेश में। अब मान लीजिए सारे डिसीजन इसके, इस कंपनी के रेस्पेक्ट में सारे डिसीजन यूएसए में लिए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका पीओईएम इंडिया में नहीं है, इंडिया में रेजिडेंट नहीं बनेगी। बट सर क्या ऐसा होता है कि इसके डिसीजन जो है ना, मालिक वो खुद ले रहे हैं, मेन जो डिसीजन हैं मालिक खुद ले रहे हैं, या जो डायरेक्टर्स हैं, या जो इनकी गवर्निंग बॉडीज हैं, या इनकी जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, जो मैनेजमेंट डिसीजन हैं उनकी जो बोर्ड मीटिंग्स में ले जाते हैं, क्योंकि तो वो बोर्ड मीटिंग्स मेजोरिटी इंडिया में कंडक्ट हो रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन बनती है, वहां पे हम बोल सकते हैं कि सर वो पीओएम उस पर इंडिया में फॉल कर जाएगा। तो सर आपने अभी इस लेवल पे इतना ही समझना है, क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी क्या है ना, ये पीओएम डिसाइड करने के लिए एक डिटेल्ड गाइडलाइंस आई हुई है, वो गाइडलाइंस सर्कुलर में आई थी, ठीक है, सर्कुलर नंबर जो था हमारा 6/27, ये सर्कुलर में डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं कि पीओएम आप कैसे निकालेंगे। तो सर सबसे बड़ी बात होती है, मैं आपको जनरल टर्म्स में बताऊं, हमारे इंडिया में असेसिंग ऑफिसर जो होगा, एओ के पास जिम्मेदारी बनती है, जैसे उसने चेक कराया यूएसए में एक कंपनी थी ए लिमिटेड, ये चेक करेगा कि इंडिया में इसका पीओएम है या नहीं है, उसके लिए उन्होंने बोला, भारत सरकार ने उसको, सीबीडीटी ने, कि आप इस सर्कुलर नंबर 6 के हिसाब से जो भी गाइडलाइंस हैं आप उसको चेक कीजिए स्टेप बाय स्टेप, उन स्टेप के हिसाब से यदि वो उसमें इंडिया में उसका पीओएम एस्टेब्लिश हो जाता है तो आप उसे बोल सकते हैं यू आर टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया में आके आप टैक्स पे कीजिए। तो सर पीओएम के लिए हमें सर्कुलर नंबर 6/17 पढ़ना होता है, और ये हमारे सीए फाइनल लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। सर अभी सिलेबस में ये नहीं दिया है, इस पर बहुत डिटेल्ड है ये, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं, बट फिर भी यदि किसी बच्चे को पढ़ने को मन है तो मैंने पूरा डिटेल इसमें नोट किया है, ठीक है। तो पीओएम को मैंने जनरल कंडीशन बता दी, पीओएम का मतलब क्या है आपने याद रखना, पीओएम इज अ प्लेस जहाँ की डिसीजन लिए जाते हैं विच आर नेसेसरी, की एंड नेसेसरी किसके लिए, बिजनेस के लिए, और जो सब्सटेंस में बनाया गया, मतलब सर सब्सटेंस मतलब सर, ठीक है, बोर्ड मीटिंग आप कहीं भी करें, मतलब समझ रहे, आप डिसीजन मेकर जो होता है ना, डिसीजन मेकर
डिपेंड करता है कहाँ है, डिसीजन मेकर कहाँ है, तो डिपेंड करता है कि जो उनका डिसीजन मेकिंग वाली अथॉरिटी है। मान लीजिए बंदे सारे डायरेक्टर्स इंडिया के, मान लीजिए जो ये यूएस लिमिटेड है इसके डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में रहते हैं, डजंट मैटर कि यूएसए में क्या चल रहा है, वो इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया से ही यूएसए वाली कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। बट क्या करते हैं ना, ये बचने के लिए इंडिया से बाहर बोर्ड मीटिंग करते हैं। एक बार इन्होंने मलेशिया में कर ली, थाईलैंड में कर ली, ठीक है, जगह जगह घूम घूम के इन्होंने बोर्ड मीटिंग पूरे साल में की। तो सर क्या वो प्लेस माने जाएंगे क्या? तो सर ये सब चीज इसमें बताया गया है। तो मेजोरिटी में बोला गया कि जहाँ मेजोरिटी होता बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो, या फिर वो प्लेस, या मेनली जो हमारे डायरेक्टर्स रहते हैं वो प्लेस, ठीक है। इसके अलावा और भी गाइडलाइंस हैं, तो इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, ये आप पढ़ सकते हैं सेल्फ, बट ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपने सिर्फ याद रखना है कंपनी इंडिया में रेजिडेंट तब बनती है जब या तो वो इंडियन कंपनी है, तो इट इज ऑलवेज इन रेजिडेंट, बट यदि वो इंडियन कंपनी नहीं है तो उस कंपनी का यदि POEM इंडिया में है तो वो रेजिडेंट बन जाएगी, यस वो रेजिडेंट बन जाएगी। सर ये हमारा क्लोज हो गया यहाँ पे, यस सर। इसके बाद क्या है, इसके बाद तो सर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारा चैप्टर का पार्ट बी बचता है। पार्ट बी होता है सर स्कोप ऑफ इनकम, स्कोप ऑफ इनकम, यस सर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कॉन्सेप्ट को। ABC इनकॉर्पोरेशन स्वीडिश कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? स्टॉकहोम। इसका नॉट हैविंग ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया, इसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी एक वही कैटेगरी है, परमानेंट इंडिया में कोई जगह है क्या उसकी? स्वीडिश, ठीक, स्वीडन में काम कर रही है, बट उसका इंडिया में कोई उसका बिजनेस ब्रांच ऑफिस कोई भी फिक्स प्लेस है या किसी भी तरह से वो इंडिया में एक साबित होती है कि वो इंडिया में काम ऑपरेट कर रही है, तो सर ऐसा कुछ नहीं है। बट उसने इंडिया में अपने लाइजन ऑफिस अपना बनाया गया, तो सर लाइजन ऑफिस होता है सपोर्ट सर्विस के लिए। 2021 में RBI तो अप्रूव करता है लाइजन ऑफिस ओपन करने के लिए, यस उसने अप्रूवल ले लिया RBI को और लाइजन ऑफिस खोल लिया इंडिया में डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है ना, ऑब्वियसली आजकल सब डिजिटल है, देखिए ना अमेजन वगैरह सब क्या है, फॉरेन कंपनी जो है हमारी वो इंडिया में अल्टीमेटली अर्न करते हैं ना पैसा, गूगल से लेकर फेसबुक लेकर सब, तो वो इंडिया में टैक्स देते हैं। तो इंडिया में टैक्स देने के लिए डिपेंड करता है वो रेजिडेंट बनेंगे तभी तो इंडिया में टैक्स देंगे, राइट सर। तो सर नॉन रेजिडेंट भी टैक्स देगा इंडिया में, बट सर वो इंडियन इनकम। तो सर अभी क्या हो रहा है, इन्होंने RBI से अप्रूवल ली, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को अवेयर कर रहे हैं इंडिया में और अपनी उसकी एक्सप्लोर फर्दर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने इंडिया में लाइजन ऑफिस ओपन कर लिया। कंपनी कहाँ की सर? स्वीडिश। सर लाइजन ऑफिस टेक्स डिसीजंस रिलेटेड टू डे ऑपरेशंस एंड परफॉर्म द सपोर्ट फंक्शंस, ठीक है। तो सर वो लाइजन ऑफिस क्या काम कर रहा है सर? वो लाइजन ऑफिस काम कर रहा है डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, सपोर्ट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फिर जो सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजंस हैं वो मेड होते हैं कहाँ से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ पे है? स्वीडन में। तो बताइए इसका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सर सेक्शन 6(3) के हिसाब से कंपनी रेजिडेंट कब बनती है इंडिया में? जब या तो वो इंडियन कंपनी हो या उसका POEM इंडिया में हो। बट सर POEM तो सर ये क्योंकि ABC इंक तो फॉरेन कंपनी है, देयरफॉर इट विल बी रेजिडेंट इन इंडिया ओनली व्हेन इट्स POEM एस्टैब्लिश इन इंडिया। अब सर POEM कहाँ से निकालेंगे? सर POEM तो मेरा सेक्शन 6(3) में डिफाइन है, यस POEM वही होता है जो प्लेस जहाँ हमारे की मैनेजमेंट डिसीजन बनाए जाएं जो नेसेसरी हैं बिजनेस करने के लिए और जो सब्सटेंस में बनाए जाते हैं। सब्सटेंस मतलब जहाँ से एक्चुअल में बनाए जा रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं। आपने बोर्ड मीटिंग दिखाने के लिए इटली में जाकर कर ली है ना, मलेशिया में जाकर कर ली, बट यार अल्टीमेटली डिसीजन मेकर तो इंडियन है, ठीक है। तो आप सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं तो नहीं। अब आता है इसमें देखिए इसका कैसे निकाला इन्होंने, इन केस ऑफ ABC इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज नॉट इन इंडिया। इन्होंने बोला इंडिया में नहीं है, क्यों? क्योंकि जो मेन क्वेश्चन में दिया था ना, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर इन सब्सटेंस मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो स्वीडन में है, जो आउटसाइड इंडिया है। तो सर जब स्वीडन में है उसका सारे डिसीजन वहीं पर लिए जा रहे हैं, तो इट मीन्स इसका POEM इंडिया में नहीं है, और जैसे POEM इंडिया में नहीं है तो सर ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगी, जैसे ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगी, ये सर। पर सर लाइजन ऑफिस क्यों बोला है? सर लाइजन ऑफिस तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ना, तो वो डिसीजन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डिसीजन ऐसे हैं जो बिजनेस के लिए नेसेसरी तो है, बट दीज आर नॉट द की डिसीजंस, दीज आर नॉट द की डिसीजंस, देयरफॉर हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यस सर। इसके बाद आता है पार्ट बी जिसे हम बोलते पार्ट बी। सर पार्ट बी हमें बताएगा जब हमने इतना सारा डिसाइड कर लिया ना, ROR, RNOR और नॉन रेजिडेंट, इन तीनों को डिसाइड करने के बाद मैंने बताया था
इम्पैक्ट क्या है सर, ये चैप्टर क्यों बना? सर ये चैप्टर इसलिए बना कि हमारा हमारी जो इनकम है, हमारा जो इनकम है टोटल इनकम, इसका स्कोप डिसाइड करना है। मतलब नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन सी इनकम पे टैक्स देगा, रेजिडेंट पर्सन कौन सी पे देगा, रेजिडेंट में भी आर ओ आर वाला जो पर्सन है और आर एन ओ आर वाला जो पर्सन है वो कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देंगे, ठीक है। तो वो स्कोप डिटरमाइन होता है उसके स्टेटस पे, ठीक है। वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमें देखना है सर, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत आसान है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन कंबाइन आता है। ये कि आपने पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए बोलेगा, आपने स्टेटस निकाला, जैसे ही आपने स्टेटस निकाला क्वेश्चन दिया हुआ है इस बंदे की ये इनकम है, आप इसकी टोटल इनकम कंप्यूट कीजिए। तो सर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस सही निकाला होगा, उसी के हिसाब से तो क्लासीफाई करोगे कि इसकी कौन सी इनकम में टैक्स लगेगा, कौन सी पे नहीं लगेगा, राइट। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान से इसे समझना है। यस सर, तो तब तक के लिए आप सारे चैप्टर्स, आप जो चैप्टर वन है और चैप्टर टू जो रेजिडेंशियल स्टेटस की दो क्लास है, आप उसे रिवाइज कीजिए अच्छे से। कोई भी क्वेरीज है प्लीज आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए, ठीक है, उसको आपको इजीली आंसर मिलेगा। कोई भी और डाउट्स हैं आप उसे मेल कर सकते हैं जो मैंने आपको ईमेल आईडी दी है, ठीक है। तो आप तब तक के लिए इसे रिवाइज कीजिए अच्छे से और किसी भी तरह का डाउट पेंडिंग मत रखिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक फाउंडेशन के साथ जो चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है, क्वेश्चन भी डेफिनेटली इसका आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर आपने ध्यान से रिवाइज करना है। ये चैप्टर हमारे सभी चैप्टर्स की एक तरह से फाउंडेशन है, स्टेटस हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो नॉन रेजिडेंट दिया होगा या रेजिडेंट दिया होगा उसी के हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे कौन सी इनकम उसकी इंडिया में टैक्स करनी है कौन सी नहीं करनी। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय बाय।